जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे। चलिए भाई, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हो, क्या हालचाल, आ जाइए। गुड मॉर्निंग पीपल, गुड मॉर्निंग पीपल, गुड गुड मॉर्निंग पीपल। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे, पैरों के निशान देखे। चलिए भाई आ जाइए, बेटा दरवाजा लगा दे, दरवाजे को कुंडी मार, कोई ना बच के जाने पाए। देखा है जमीन पे, जाना है फलक पे। सर क्लास में हूं, करूं बाद में। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। जाने तू कहाँ है, उड़ती हवा पे तेरे, पैरों के निशान देखे। ढूंढा है जमीन पे, जाना है फलक पे। चलिए भाई, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू पीपल। एप्लीकेशन पे कब से होगा भाई, रुको जरा, सबर करो, रुको जरा, सबर करो, करेंगे एप्लीकेशन में, रुको जरा, सबर करो। तो कैसे हो सब लोग, कैसा रहा संडे, एंजॉयड अ लॉट, सुपर सेक्सी, एक नंबर, क्यों असीफा जी, क्या किया संडे को, पढ़ाई की है? क्या बात कर रहे हो, चलो ग्रेट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, पढ़ाई की हो तो अच्छा। एनीवे, बहुत सारे लोग हैं जिनका आज पहली नई शक्ल दिख रही है मेरे को, मतलब पहला पहला दिन लग रहा है। तो हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक शुरू किया था जयजल में, आप लोगों ने यूट्यूब पे दो लेक्चर देखे या नहीं देखे, कोई है ऐसा जिसने पहले के यूट्यूब के दो लेक्चर जो मैंने लिया था वो नहीं देखे हैं, आप में से कोई ऐसा, आपने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, आपने नहीं देखे, तो फिर हां क्या बोल रहे थे, देखे, देखे ही नहीं हो तो है, तो वो देख लेना। क्या होता है ना, मूवी के समान है लेक्चर्स, अगर स्टार्टिंग की मूवी मिस हो जाती है तो फिर बाद में समझ नहीं आता ना क्या चल रहा है, वैसे लेक्चर में हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग अगर अच्छी रहेगी आपकी, आप सेकंड लेक्चर में नहीं आए थे आपने, पर यूट्यूब पे देखा, ओके। सो होता क्या है कि अभी स्टार्टिंग मिस हो गई तो फिर बाद में दिक्कत आती है ना जी, सही बात है गलत बात है, तो ओके, वेरी गुड, ऑसम, सेक्सी, बढ़िया। तो यूट्यूब पे देख लेना, दोनों लेक्चर अपलोडेड है तो वहां से जरूर कर लेना, अदरवाइज क्या है थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बाकी कुछ नहीं। SBILL तो आज हम फ्रेश आज ही से शुरू करेंगे, आपका SBILL जो होगा वो हम लोग कब से शुरू करेंगे, आज से ही शुरू करेंगे दोस्तों SBILL आपका। एंड SBILL जो है आपका तकरीबन, मैं आपको अभी कल से तो टाइम आपको बता, अभी न्यू टाइम टेबल आएगा कल से पूरा आपका, सो यू विल गेट अ वेरी न्यू टाइम टेबल फ्रॉम टुमारो। बढ़िया सेक्सी वाला टाइम टेबल बना दिया गया आपका एक, जिसमें सुबह 8 बजे से, सॉरी 7:30 बजे से आप आओगे और शाम को 5:30 बजे, 5:30 बजे, वो भी 6:30 बज जाएंगे समझो, 6:30 बजे तक जाओगे। तो इतना प्यारा टाइम टेबल बनाया आपका सुबह 7:30 से शाम के 6:30 बजे तक का, उसमें भी चैन आराम नहीं है बेटा, उसमें भी हफ्ते में 3 दिन मैं आपको मिलूंगा और कराऊंगा रात को 8 से 11 नाइट लेक्चर, जून से वो नाइट लेक्चर शुरू होंगे हमारे। तो कहने का मतलब आपकी जिंदगी में जो आपने सोचा होगा कि जितने मजे करेंगे, CACET क्लियर कर लो उसके बाद मजे ही मजे हैं, तो मजे इन ओनली पढ़ाई के सेंस में, बाकी कोई जिंदगी में भी मजे बचने नहीं वाले हैं, तुम्हारी कचुंबर बना दिया जाना है तुम्हारा, ठीक है। उसमें मेरा घर का इनॉग्रेशन है 25th का, तो एक दिन पहले और इनॉग्रेशन के 2-3 दिन बाद मैं नहीं रहूंगा, बिकॉज मेरे गेस्ट बहुत सारे आ रहे हैं, तो इसलिए मेरी छुट्टी होगी अभी इन बिटवीन 25 के आसपास, 25th के आसपास। उसके बाद तो जून से तुम्हारा चटनी बना देना है मैंने तुम्हारी, ठीक है, लेकिन नहीं, हंसते खेलते करेंगे, आराम से करेंगे, ठीक है। वी नेवर बिलीव कि रशअप करना है किसी टॉपिक को, स्टार्टिंग से ये उसूल है, उसूल, भली एक हफ्ता डिले हो वो चलता है, लेकिन भगाना नहीं है कभी किसी भी हाल में,
वो तो भाई मतलब प्रायोरिटी है सबसे ज्यादा। अच्छा SBILL जो है आज हम शुरू करेंगे, आज से हमारा एक नया सब्जेक्ट और शुरू हो रहा है। कौन सा है वो? SBILL वो बाद में शुरू करेंगे। पहले हमारा अगर आपको याद हो हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो वही शुरू करते हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। आ जाइए सारे बच्चे। सोगा तो EBCL में था, ये न्यू सिलेबस है क्या? हाँ जी ये न्यू सिलेबस है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है हम न्यू सिलेबस कर रहे हैं। सर नाइट लेक्चर में रिवीजन होगा या फिर न्यू चैप्टर्स होंगे? बेटा नए चैप्टर ही होने वाले हैं। रहने दो सर, क्यों बच्चों को डरा रहे हो अभी से फालतू में? एक आधी भाग जाएगा और कोई नहीं भागता यार। स्टार्टिंग में मोटिवेशन पता है कैसा होता है बच्चों का, जो मैंने देखा है जनरली, वो तवा होता है ना गरम गरम, उस पर पानी छिड़को ना ऐसे, वैसा होता है मोटिवेशन। फिर धीरे धीरे जब, तो हमें वो नहीं करना है ना, हमें वो ऊपर ही रखना है हमारा मोटिवेशन, है ना, डाउन नहीं होना चाहिए कभी। चलिए एनीवे, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अभी तक जितना पढ़ा है पूरा का पूरा रिवाइज कर लेते हैं एंड फटाफट 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 समझ लेते हैं। जो नए बच्चे हैं पहला दिन देख रहे हैं, आपको दो लेक्चर हुए हैं, दोनों यूट्यूब पे हैं, देखने ही हैं किसी भी हाल में। नहीं देखे हो तो डंडे मारूंगा तुम्हारे को, सबको देख लेना। ठीक है भाई चलो शुरू करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट मूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है कि इमूवेबल? मूवेबल से डील करता है, इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। तो इमूवेबल से कौन डील करता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। लवली गाइस। अच्छा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मतलब क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर प्राइस। सेलर कौन है? जो बेच रहा है। बायर कौन है? जो खरीद रहा है। सेलर ट्रांसफर करता है यानी देता है, किसको देता है? बायर को। बायर को देता है ना, और बायर कौन है? जो खरीद रहा है। क्या देता है सेलर? ओनरशिप। ओनरशिप किसकी? गुड्स की। एग्जैक्टली ओनरशिप देता है गुड्स की बदले में बायर को, और बायर को क्या मिलता है? प्राइस। प्राइस माने पैसा। लवली सेक्सी ऑसम बढ़िया। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर बाय सेलर ट्रांसफर और अग्रीज टू ट्रांसफर, ठीक है, प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर और बदले में क्या लेता है? प्राइस। दो पार्टीज होती है ना, ट्रांसफर होती है ओनरशिप की। यार देखो भाई मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक समझना, सिर्फ ये रिमोट यूज करने के लिए दे रहा हूं, तो ये ओनरशिप दे रहा हूं कि पजेशन? पजेशन। लेकिन इसका मालिकाना हक दे दूं तो ओनरशिप। सेल में हम सिर्फ सिर्फ पजेशन देते हैं कि ओनरशिप भी देते हैं? ओनरशिप। सबसे प्रायोरिटी क्या है? ओनरशिप। ट्रांसफर होती है। अच्छा सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। बोलो सब्जेक्ट मैटर क्या है? गुड्स। और व्हाट डू यू मीन बाय गुड्स? गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। फिर से बोले क्या? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन एक्शनेबल क्लेम एंड मनी बट इंक्लूड स्टॉक शेयर ग्रोइंग क्रॉप ग्रास और थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सर्व बिफोर सेल और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जो लोग ने पहली पहला लेक्चर देखा ना, कौन सी भाषा है, क्या चल रहा है, क्या बोल रहे हैं सर, है ना, ऐसे लग रहा है ना बेटा, इसलिए देख लेना ना लेक्चर, कल संडे को भी यूटिलाइज नहीं किए, संडे था देख लेना था लेक्चर, यूट्यूब पे पढ़े थे, पर नहीं तुम्हें तो जिंदगी जीनी होगी। कहां से हो आप, कौन सी सिटी से हो, क्या बोली? रायगढ़ से हो आप, क्या बात है, आप कहां से हो? जुन्नर। आप कहां से हो? रत्नागिरी। आम नहीं लाए? हाँ? रत्नागिरी से आए हो, शर्म नहीं आती आपको, खाली हाथ आते हो, सबको सबको एक एक आम देना हमारी क्लास में, एक एक में नहीं होगा कुछ, इसको आधा देना, ठीक है चलिए आ जाओ। अच्छा हाँ क्या बता? बाबा भी आता है। एक्सेस गुड्स में क्या आता है बताओ? सो गुड्स में हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, दो चीजें नहीं आती, एक तो पैसा है ना और एक एक्शनेबल क्लेम। मैंने बताया था एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या होता है, अगर मेरे को आशीष सर से पैसा लेना है तो ये मेरा क्या है? एक्शनेबल क्लेम। किसी से पैसा लेने का जो राइट होता है उसे हम क्या कहते हैं? एक्शनेबल क्लेम। इसको हम गुड्स में नहीं डालते, लेकिन स्टॉक शेयर्स ग्रोइंग क्रॉप ग्रास ये सारी चीजें गुड्स में आती है। कोई चीज जमीन से जुड़ी है लेकिन अलग की जा सकती है, वो भी क्या है? गुड्स है, क्योंकि वो मूवेबल है ना। लाइक ये पंखा अभी तो अटैच्ड है लेकिन निकाला जा सकता है ना, ये ट्यूबलाइट, अरे हाँ या ना, कैमरा, खिड़की, दरवाजे, ये सब निकाला जा सकता है, इसलिए क्या है ये सब? ये सब किस में आएगा? मूवेबल में आएगा। बोलो यस और नो। सेक्सी पीपल, बहुत ही बढ़िया पीपल, सेक्सी ऑसम बढ़िया पीपल। बदले में क्या मिलता है? प्राइस। बोलिए बदले में क्या मिलता है? प्राइस। बदले में क्या मिलता है?
प्राइस मिलता है बदले में, बोलो यस और नो, हाँ या ना, बोलो जी। वेरी गुड गाइस, ओके। हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मैं रिवाइज करा रहा हूं, ठीक है। हमारा ये डेली होगा कि जब भी हम मिलेंगे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में किया था, और ये प्रैक्टिस हम स्टार्ट से एंड तक फॉलो करते हैं, है ना, बचपन से बुढ़ापे तक ये प्रैक्टिस हमारी फॉलो होती है, ठीक है भाई। चलो आइए नेक्स्ट है भाई, ध्यान देंगे सारे बच्चे कि सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है, कौन बताएगा। सर जून 23 के लिए प्लीज, अब्बर सर ने बोला था दो दिन में 201 केस स्टडी आएगी, अभी तक 5 दिन हो गए अपलोड नहीं हुई है। अब्बर सर से बात कर लेता हूं भाई मैं, ठीक है भाई। हाँ जी चलो सर, मैंने कल जूम मीटिंग का नेट करने ज्वाइन नहीं कर पाया था, कौन सा मैटर में कल मीटिंग में डिस्कशन हुआ। कल मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ, रोहन की सबको गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए। तो रोहन आपको, आप मीटिंग में नहीं आए, सबको बांटी जा रही थी जिनके पास नहीं है, तो आपको मिल ही नहीं पाई यार। कोई बात नहीं बेटा, अगली जूम मीटिंग में आना। सर नाइट लेक्चर के साथ प्लीज ये बता दीजिए सेल स्टडी कब करेंगे हम लोग। देखो सुबह से रात लेक्चर, रात के बाद पढ़ाई। हाँ सोना नहीं है ना, आपको नहीं पता क्या सोना सैक्रिफाइस करना पड़ता है एग्जीक्यूटिव में आने के बाद, यू डोंट नो दैट। क्या तुम्हें क्या लग रहा है अभी भी 10 घंटे सो गए क्या? अबे भगवान ने छीन लिया तुम्हारी अच्छी जिंदगी, हाँ खत्म हो गया। अब भगवान कह रहे हैं सीएस बनने के बाद ही आएंगे अच्छे दिन। अच्छा आज का मेरा सपना कितना डरावना था पता है, भगवान कसम मैं सपने में सुबह सुबह का सपना, अब ये तो बात तो सच हो ही नहीं सकती कि सुबह का सपना सच होता है, ये तो हो ही नहीं सकता आज के बाद। मेरे को सपना आ रहा है मैं सीएस प्रोफेशनल में फेल हो गया हूं, सच में भगवान कसम मेरे को सपना आ रहा है। फिर मैं ये सोच रहा हूं मैं सीएस हूं कि नहीं हूं, मैं तो सबको सीएस बोलता फिरता हूं। अरे भगवान कसम ये सपना सुबह सुबह 7:30 बजे की बात है, ये 7:30 बजे मेरी आंख ऐसे खुल रही है और मेरे को ऐसे सपना आ रहा है मैं सीएस प्रोफेशनल फेल हो गया हूं। भाई सारे मेरे दोस्त पास हो गए, मैं सीएस प्रोफेशनल फेल हो गया हूं, और मैं समझो सपने में मेरा दिल धक 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 कर रहा है, नींद में धक 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 हो रहा है मेरे को। और फिर मैं एकदम से उठा, फिर याद आया हाँ भाई मैं पास हूँ, मेरा सीएस प्रोफेशनल तीनों ग्रुप एक साथ निकला था, मैं पास हूँ, मेरे पास मेंबरशिप नंबर भी है, मैं आईसीएसआई का मेंबर बन गया हूँ। हाँ रिलैक्स, तो मतलब अभी भी वो समझ रहे हो वो डर ऐसा वो जो होता है ना, मैं समझ सकता हूँ आप लोग को, जब आओगे अभी एग्जीक्यूटिव के बाद प्रोफेशनल में और वो जब रिजल्ट आएगा तो वो जो होती है ना थोड़ी सी घबराहट, दैट आई कैन अंडरस्टैंड। चलिए आइए भाई मूविंग ऑन। सर बुक्स कब मिलेंगे? बुक्स आपको 1 हफ्ता लगेगा। चलो आइए जी शुरू करते हैं। सारे बच्चे ध्यान देंगे सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क है। सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली, है ना। अग्रीमेंट टू सेल में कब ट्रांसफर होती है? फ्यूचर में। अरे आई सर नो। अच्छा किस सेल क्या है? एग्जीक्यूटेड। अग्रीमेंट टू सेल क्या है? एग्जीक्यूटरी। सेल कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एब्सोल्यूट। अग्रीमेंट टू सेल कंडीशनल हो सकता है। सेल होने के बाद के लॉस बायर के, अग्रीमेंट टू सेल में सेलर के ही लॉस है। अच्छा अगर सेल हो गया सेलर को पैसे नहीं मिले तो क्या काई के लिए केस करेगा? सेलर काई के लिए केस करेगा? प्राइस के लिए, कि भाई पैसा दे, पैसा दे, हाँ या ना, अरे यस और नो। अच्छा बायर ने प्रोडक्ट खरीद लिया है लेकिन सेलर दे नहीं रहा है तो बायर काई के लिए केस करेगा? डैमेजेस, या हो सकता है वो प्रोडक्ट ही दे स्पेसिफिक रिलीफ के लिए केस करे। अग्रीमेंट टू सेल है तो सेलर डैमेजेस मांग सकता है अगर बायर ने नहीं खरीदा, या सेलर नहीं बेच रहा अग्रीमेंट टू सेल के बाद बायर भी डैमेजेस मांग सकता है। डोर ओपन करे तो मैं जाऊं करने, तो जाना बेटा। अभी ध्यान देना, ये सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है? सेल और बेलमेंट में क्या फर्क है बताओ? एग्जैक्टली, बेलमेंट में क्या ट्रांसफर करते हैं? पजेशन। बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर करते हैं? पजेशन। सिर्फ और सिर्फ बेलमेंट में पजेशन ट्रांसफर होती है। यस यू आर राइट, बेलमेंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होती है? पजेशन। और सेल में क्या ट्रांसफर होती है? ओनरशिप। दोनों में फर्क है ना? अरे फर्क है नहीं है ये बताओ। होता है ना, कुंडी लगाना पड़ता है उसके लिए, कुंडी लगाना सीख जाओ अब उम्र हो गई है। अरे मेरा मतलब है कुंडी लगाना सीख जाओ तो क्या है कि अभी आना चाहिए ना, इतने बड़े हो गए कुंडी लगाते बनना चाहिए अब। यस और नो, सही बात है गलत बात है? अब मान लो से फॉर एग्जाम्पल यार कि मेरी सिर्फ गाड़ी मैंने मेरे दोस्त को 2 दिन के लिए दिया, तो ये सेल है कि बेलमेंट है? बेलमेंट। जो देता है वो कौन है? बेलर। जो लेता है वो कौन है? बेली। अगर आप ओनरशिप ट्रांसफर करते हो तो वो क्या है? सेल। बट और अगर पोजेशन ट्रांसफर करते हो तो बेलमेंट। समझ में आया क्या?
किसमें ओनरशिप ट्रांसफर होती है? सेल. किसमें पजेशन ट्रांसफर होती है? बेलमेंट. याद आया? किसमें पजेशन वापस मिलेगी आपको? बेलमेंट में. जिसको दिया वापस मिलेगी, सेल में वापस नहीं मिलेगी. यस और नो? लवली पीपल, है ना? अच्छा, सेल को चलाता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. बेलमेंट को कौन चलाता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एग्जीक्यूटरी और एग्जीक्यूटेड मतलब क्या? जो कंप्लीट हो गया बेटा वो एग्जीक्यूटेड, जो पेंडिंग है होना बाकी है वो एग्जीक्यूटरी. कुणाल करण, ठीक है बब्बू? चलिए, ओके, लवली, सेक्सी, बढ़िया. आगे बढ़ते हैं दोस्तों. चलिए नेक्स्ट है, हायर परचेस और सेल में क्या फर्क है? इंस्टॉलमेंट में कोई चीज खरीदी तो वो क्या है? हायर परचेस. पजेशन कब मिलती है? ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट. फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में पजेशन मिलती है. ओनरशिप कब मिलती है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. है ना? किसमें आप प्रोडक्ट वापस दे सकते हो सामने वाले को? हायर परचेस में. किसमें सेलर लेके जा सकता है अगर उसको पैसे नहीं मिले? हायर परचेस. अरे यस और नो? पढ़ा था ना कि भूल गए सब? हाँ सर, आगे पार्ट पीछे सपाट भूल गए सर सब हम लोग. सर बेटा, डेली टू डेली टारगेट ये बनाना है आपको कि जितना डेली होता है घर पे उतना पढ़ना है डेली. और खासकर जो लोग लेट लतीफ आए हैं, थोड़े पहले के दो लेक्चर मिस किए हैं, आज की आज, कब? आज की आज तुम्हें कर लेना है पूरा. आप और आप. मैंने भी नहीं देखे थे पहले के दो लेक्चर, देखे हो? फिर ठीक है. तो जितने लोगों ने नहीं देखे भाई, पूरे कर लेना, कंप्लीट कर देना. एंड मैं फिर ना, और ऑनलाइन में भी जितने लोगों ने नहीं देखा है पहले के दो लेक्चर देख लेना भाई, ठीक है? आज ही खत्म कर देना उसको, ठीक है? डन. अच्छा ये बताओ, चलो सेल में अग्रीमेंट होना रिटर्न जरूरी है क्या? सेल में जरूरी नहीं, अग्रीमेंट टू सेल रिटर्न होना जरूरी है, ठीक है? किसमें ओनरशिप तुरंत ट्रांसफर हो रही है? सेल. किसमें पजेशन तुरंत ट्रांसफर हो रहा है? हायर परचेस. ऑन द पेमेंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हो जाता है. बहुत बढ़िया दोस्त, चल गुड. अच्छा फिर हमने देखा था सेल और कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या फर्क है. जिसमें हमाली कराते हैं, स्किल का काम कराते हैं, वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर. मैं जो आपके सामने कर रहा हूं ये सेल है क्या? मैं क्या बेच रहा हूं क्या? दिस इज नॉट अ सेल. हाँ, ऐसे लेक्चर्स खरीदे तो वो एक प्रकार की सर्विस खरीदो, पर गुड्स नहीं. लेकिन किताब खरीदो तो वो गुड्स में आएगी. किताब किस में आएगी? गुड्स. जब आप बुक्स खरीदोगे वो गुड्स में आएगी. बोलो यस और नो? लवली पीपल, हमने देख लिया था ये. फिर हमने देखा था ये सब, हमने जो पढ़ा था रिवाइज करा रहा हूं बेटा, ये सब जो हमने पढ़ा था रिवाइज करा रहा हूं. चलो आ जाओ. चलो आओ मेरी जान, बनारस की पान. हाँ अभी देखो, आपको नोटबुक बनानी है क्या? जी हाँ बनानी है आपको. जय जय एसबीसी दोनों की एक एक, एक नोटबुक बनानी है. और जितने लोगों को सेल्फ नोट्स बनाने की आदत है वो बना बना के लिख सकते हैं. जिनको सेल्फ नोट्स बनाने की आदत नहीं है, बना बनाए मटेरियल में बिलीव करते हैं, उनको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है? कर रहे हो ना डेली? भेजना मेरे को. है ना, मेरा ये नया सिलेबस आया ना, ओल्ड सिलेबस में मेरे स्टूडेंट हैं, उन्होंने ही मेरे हैंड रिटन नोट्स बनवा के दिए थे. मैं सिखा दिया था कैसे बनाने हैं. और मैंने इस बैच में भी बोला है, जो भी मेरे को सबसे बेस्ट हैंड रिटन नोट्स बना के देगा उसको 21,000 रुपए देता हूं मैं. 21,000 देता हूं दोनों सब्जेक्ट मिला के, जे एच एल एस बी आई एल हैंड रिटन नोट्स. मतलब जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको, खुद के नोट्स जो बेस्ट बनाता है सबसे, उसको 21,000 मैं देता हूं पूरे सब्जेक्ट के. पिछली बार भी जिन्होंने बनाया था उनके, उनको अच्छा खासा रिवेन्यू मिला था. एंड वो पुराना सिलेबस हो गया, खैर अब तो उसका खत्म हो गया, नए सिलेबस की नई शुरुआत है. तो जैसे ही अपना सिलेबस कंप्लीट होगा तब तक रेडी हो जाएंगे पूरे हैंड रिटन नोट्स, तो उससे पढ़ने में आसानी होती कई बारी. और दूसरा ये आपको पता ही है कि जो भी अपने सब्जेक्ट में 90+ लाएगा, चाहे जे आई जे एल में चाहे एस बी आई एल में, उसको आईफोन रहता है. मेरी तरफ से अभी तक चार ही बांटा हूं मैंने, बस पांचवा हो सकता है आपका हो. दो ला लिया आपने, दोनों में 90-90 ला लिए, तो फिर जो लेना ले हो. 50,000 तक का गिफ्ट है 90+ में, और दोनों में ला लिए तो 1,00,000 तक का गिफ्ट है. तुम जो मांगो, पैसे कैश मांगो, एक्टिवा मांगो, रशियन मांगो, मतलब रशियन क्या कहते हैं, फ्रेम मांगो, तुम्हारी मर्जी है. फिर तुम्हारी मर्जी है, फिर वो तुम्हारे को जो चाहिए वो देंगे. गोवा की ट्रिप चाहिए, जो चाहिए उसके लिए. ये क्या है, थोड़ा सा एक मोटिवेशन रहता है कि हाँ चलो पढ़ेंगे तो कुछ हासिल होगा, ठीक है? तो कुछ ऐसा है ना कि इंसान तब तक कुछ नहीं करता जब तक उसको पता ना हो क्या मिलने वाला है. अभी ना हम लोग को ये तो पता है सीएस बनने से फ्यूचर सिक्योर होगा, लेकिन कई बच्चे जो है तो सीरियसली लेते नहीं है उसको. तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा बीच बीच में आपको जरूरी है डोज देते रहना ताकि करो अच्छे से. चलिए
नोट्स वेबसाइट पे नहीं है, आपको व्हाट्सएप पे मैं पीडीएफ मैं वेबसाइट पे डलवा के आपको लिंक भेज दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलो आ जाओ अभी। फिर हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कितने प्रकार के गुड्स होते हैं। देखो 25 मिनट हो गए हैं यार, हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं लास्ट दो लेक्चर्स का। चलो जल्दी से फटाफट बताओ, जो गुड्स कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्टिंग है वो कौन से हैं? एग्जिस्टिंग गुड्स। लाइक ये फोन कौन सा गुड है? ये एग्जिस्टिंग है ना, पहले तो ये बताओ कौन से गुड्स हो गए जो कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट करते हैं वो कौन से हैं? एग्जिस्टिंग गुड। एग्जिस्टिंग गुड्स कितने प्रकार के होते हैं? तीन, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन, असर्टेन। बताया था मैंने, स्पेसिफिक, अनअसर्टेन, असर्टेन। आप दुकान में आए मेरी और मेरे पास एक ही रिमोट था, आपने कहा भैया ये रिमोट देना, ये कौन सा है? स्पेसिफिक। कौन सा ये? स्पेसिफिक, पक्का है ना, इट्स आइडेंटिफाइड एंड असर्टेन, ठीक है भाई। अच्छा आप मेरी दुकान आए और मेरे पास थे तीन रिमोट, कितने रिमोट थे भाई? तीन। आप रिमोट लेने आए हो, ये क्या है? अनअसर्टेन। क्या है ये? अनअसर्टेन। इसमें से आपने एक चूज किया, ये क्या हो गया? असर्टेन। समझ आ गया ना, जब एक ही आइडेंटिफाइड है, एकदम अग्रीड है, तो फिर वो क्या है? स्पेसिफिक। आइडेंटिफाइड अग्रीड नहीं है, लॉट में पड़ा हुआ है, अनअसर्टेन। लॉट से एक्सट्रैक्ट करोगे और आइडेंटिफाई करोगे तो असर्टेन। बहुत बढ़िया। जो गुड्स आप कॉन्ट्रैक्ट करते समय एग्जिस्ट ही नहीं करते, फ्यूचर में आएंगे। मैं शर्ट मैन्युफैक्चर करने वाला हूं, उसका कॉन्ट्रैक्ट आज हो रहा है जो अभी तक मैन्युफैक्चर हुई नहीं है, तो वो क्या है? फ्यूचर गुड्स। वो कौन सा गुड्स है? फ्यूचर गुड। फिर आता है कॉन्टिंजेंट गुड, जो किस चीज के होने या ना होने पर डिपेंड करता है। लाइक आपने कहा सर अब्बड़ सर की घड़ी चाहिए, मैंने कहा बेच दूंगा तुम्हें प्रोवाइडेड वो मुझे बेचे, तो कहने का मतलब आपको कब मिलेगी? जब वो मुझे बेचेंगे। जब किसी चीज के होने या ना होने पे कोई गुड्स डिपेंड करे उसे क्या कहते हैं? कॉन्टिंजेंट गुड्स। सो एनी गुड डिपेंड्स ऑन एनी पर्टिकुलर कंडीशन, दैट इज नोन एज अ कॉन्टिंजेंट गुड्स। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, आया ना, पढ़ लिया था ना, यहां तक पढ़ा था और ये भी देख लिया था लास्ट लेक्चर में। अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही गुड्स खराब हो गए तो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। अरे लॉस किसका होगा? रे सेलर का। याद आया क्या? दो लोग आए थे, किसी का घोड़ा था, किसका था घोड़ा? याद नहीं आ रहा मेरे को, भाई का घोड़ा था, क्या नाम है भाई का? जय। जय का घोड़ा था, किसको पसंद आ गया था? अंकित को। दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अंकित को जय का घोड़ा चाहिए, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे घोड़ा मर गया था इनके कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले ही, ना इसको पता ना इसको पता, तो ये जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट ही वॉइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? अग्रीमेंट ही वॉइड। हाँ या ना? अच्छा मान लो आपने मेरे को कॉन्ट्रैक्ट किया मेरे से कि मोदी से हम आपकी कार खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? आपकी कार। लेकिन 10 दिन बाद ले जाएंगे मोदी सर। मैं कहा ठीक, 5 दिन बाद कार ब्लास्ट हो गई, 5 दिन बाद कार ब्लास्ट हो गई, तो भी मेरे को बताओ ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। वही कहता है ये कि अगर कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले गुड्स खराब हो गए, पेरिश हो गए, तो भी वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है, और अग्रीमेंट हो गया था उसके बाद सेल नहीं हुई है, सिर्फ अग्रीमेंट हुआ था। लाइक मैंने आपको सिर्फ बेचने का वादा किया था कार 10 दिन बाद, बेचा हूं क्या अभी? नहीं, सिर्फ बेचने का वादा किया था 10 दिन बाद कार बेचूंगा, 5 दिन बाद ही कार ब्लास्ट हो गई, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड। तो भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बेटे। पढ़ा था ना लास्ट लेक्चर में, ये सब हम कर चुके हैं, हमने सैटरडे के दिन यहां तक ही पढ़ा था, इसके आगे आज हमें शुरू करना है। यहां तक हमने कब पढ़ लिया था? सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे हमने ये पढ़ा था, राइट? संडे छुट्टी थी। हाँ, इसमें दो एक्सेप्शन थे कि अगर इसका घोड़ा मर गया और उसको पता है मर गया, या इसका घोड़ा खराब है और उसको पता है खराब है फिर भी बेचे अंकित को, तो फिर इसकी गलती है, डैमेजेस देना पड़ेगा, डैमेजेस देना पड़ेगा। और या फिर अगर लॉट का माल है, मतलब अनअसर्टेन गुड्स है, इसके पास मान लो 25-60 घोड़े, 50-100 घोड़े हैं, फिर उसके बाद में ये रूल अप्लाई नहीं होता, फिर तो जो अच्छा वाला घोड़ा है इसको ये देना पड़ेगा। यस और नो? तो ये हमने लास्ट लेक्चर में यहां तक पढ़ लिया था, यहां तक की बातें, आई होप सो सभी को क्लियर है। बोलो हाँ या ना बेटे। चलो बहुत बढ़िया। रोहन कहता है अच्छा मेरी गर्लफ्रेंड तो जेआई जेल ही है और एक्स गर्लफ्रेंड सीलो है और मेरी पूरी जिंदगी सीएस है, क्योंकि गर्लफ्रेंड क्यों मेरी जिंदगी में मलना नहीं रखते? बड़ा जहर पी ले थोड़ा सा। चलो आ जाओ अभी ध्यान देना, आइए अभी ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाओ अभी। यहां तक हमने पढ़ लिया था, इसके आगे शुरू करना है, राइट? चलो लेट्स गो, आ जाओ शुरू करते हैं। अभी ध्यान देना सारे बच्चे, आओ मेरी जान, बनारस की पान, जाने बन जाने जान। अब बात करते हैं प्राइस की, तो कुछ बात बताओ रे, ये प्राइस कौन डिसाइड करता है साला? मैगी का प्राइस कितने की आती है? मैगी 14 की आती है। अब 10 महंगाई कब बढ़ गई? 10 की आती थी अभी तक, तो
बार 14 की हो गई, क्या हो गया, कौन कर रहा है ये, कौन, महेश, तो उसे अंदर से खुलता है ना वो, कितना चमन है बे तू भी, कहता बाहर से लॉक लगा के खुल गया, तो यहां से ऐसे खुलेगा, खुल गया वो, बताओ हद है यार। मैडम लेट क्यों आए आप, लेट क्यों आए, आप भी क्यों लेट है भाई, क्यों लॉक, अबे तो लॉक तो अभी हुआ है, चलो आ जाओ। प्राइस कौन डिसाइड करता है, मैगी 14 रुपए में क्यों बिकती है, 18 में क्यों नहीं, यूनिक एकेडमी के लेक्चर की प्राइस यहां की फेस टू फेस बैच 55,000 की ही क्यों है, 1,00,000 की क्यों नहीं, प्राइस कौन डिसाइड करता है, आशीष सर, क्यों आशीष सर डिसाइड करते हैं, अबे प्राइस ओवरऑल मैं पूछ रहा हूं कौन डिसाइड करता है, मेरे को ये फोन बेचना है, बेच दो 5 रुपए में, बोलो तुम बोलो तो बेच दूंगा, तुम बोलो बस एक बार, बेच दो 5 में, किसको बेचे, कौन खरीद रहा है, खरीद रहे हो, चल ले 5 रुपए में ले, अब भी ले दे 5 रुपए, लाओ फोन ले जाओ, लाओ आओ आओ आओ, आजा आजा 5 रुपए में फोन, भाई को 5 रुपए में भाई को फोन बिक रहा है आज, 10 है नहीं, मेरे को 5 ही चाहिए, 5 रुपए में ही फोन बेचूंगा मैं, चिल्ला नहीं है ये, हाँ तो ये पैसे मिल गए, देखो भाई 5 रुपए मिल गए, ठीक है 5 रुपए मिल गए, ये फोन जो है भाई का तेरा नहीं हुआ सारे भक्त, अभी ध्यान देना, अभी ध्यान, प्राइस कौन डिसाइड करता है ये बताओ, जिसके पास ओनरशिप है वो डिसाइड करता है, मैडम का कहना है। तो देखिए प्राइस का मोड क्या है फिक्स होने का, प्राइस कहां से फिक्स होते हैं, तो फिर मैं कहता हूं शेयर के प्राइस कौन डिसाइड करता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में बिक रहे हैं उसका डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करती है, कैसे हो रहा है डिमांड एंड सप्लाई से बताइए जरा, डिमांड ज्यादा है तो प्राइस इतना है, कौन डिसाइड कर रहा है, मान लीजिए शेयर का प्राइस बहुत, शेयर का डिमांड बहुत है, बहुत डिमांड है रिलायंस के शेयर की, तो उसका प्राइस कौन डिसाइड कर रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं कि हां भाई डिमांड ज्यादा है तो ये 10,000 का होगा, कौन डिसाइड कर रहा है, अबे डिसाइड कौन कर रहा है प्राइस, क्या लगता है, तो भाई पहले तो प्राइस डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, कहां से होता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, फिर सोलो प्राइस कहां से डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट से, फिर सोलो प्राइस कहां से डिसाइड होता है कॉन्ट्रैक्ट से, एक मिनट देना, अरे सर जी वो जो पर्दे लगाया हो ना आपने, वो मम्मी बोल रही थी कि वो पर्दे को बांधने के लिए वो जो पर्दे का कपड़ा है उसी को बना देना ना, अरे हाइट वाले में जरूरी ना, खिड़की खोल रहे हैं वो पर्दा पूरा बहुत ऊपर आ रहा है तो उसको बनाना पड़ेगा, हाँ ठीक है जैसे भी बनाओ लेकिन बना दो थोड़ा, तो क्या है ना वो गड़बड़ हो रही है, हाँ ठीक है, हाँ हाँ चलो आइए जी, अभी ध्यान देंगे, हाँ प्राइस कहां से डिसाइड होगा, अरे बोलो कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होगा, पक्का, तो कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होता है, तो याद रखना मोस्टली एंड मोस्टली हर बार सेलर डिसाइड करेगा, कुछ केसेस में हो सकता है बायर बोले मेरे को इतने में खरीदना है तो सेलर बोले चल ठीक है तू ले ले इतने में, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जनरली कौन डिसाइड करता है, सेलर, कई बार बायर भी डिसाइड करता है प्राइस, और कैसे, अरे होता है ना हम दुकान में गए चीज उठाए 150 रुपया देगा, उसने बोला चल ले, तो ये क्या है बायर ने डिसाइड कर दिया प्राइस, तो कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होता है प्राइस, पहली चीज तो ये है, पहली चीज तो क्या बेटा कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड होता है, दूसरा इट कैन बी अग्रीड इन अ फिक्स्ड मैनर, एक फिक्स्ड मैनर हो सकता है जिससे हम डिसाइड कर सकते हैं प्राइस कैसे डिसाइड होगा हमारा, है ना, फिक्स्ड मैनर हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि भाई हमारा प्राइस इसी तरीके से डिसाइड होगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि जितने में वो बेचेगा उतने में मैं बेचूंगा, इस तरीके से भी डिसाइड हो सकता है प्राइस, कि जितने में वो व्यक्ति बेचेगा उतने में ही मैं बेचूंगा, ऐसे भी डिसाइड हो सकता है ना, हाँ ऐसे भी डिसाइड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी डिसाइड करे प्राइस, लाइक मेरा घर खरीद रहे हो आप लोग, ठीक है मेरे घर का कीमत मैं रख रहा हूं 4 करोड़, आप बोल रहे हो सर 4 करोड़ तो नहीं 150 रुपया, सॉरी आप कह रहे हो 2.5 करोड़ देंगे, 2.5 करोड़ देंगे, मैंने कहा नहीं 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 भाई 4 करोड़ कहां, 2.5 करोड़ कहां, नहीं नहीं नहीं, तुमने कहा चलो अब्बड़ सर जितने में बोलेंगे उतने में खरीद लेंगे, मैंने कहा ठीक है अब्बड़ सर जितने में बोलेंगे मैं भी उतने में बेच दूंगा, अब्बड़ सर को बुलाया अपन ने, तो अब्बड़ सर प्राइस डिसाइड करेंगे, तो नाउ प्राइस इज डिसाइडेड बाय द थर्ड पार्टी, ऐसे भी प्राइस डिसाइड होता है, और एक होता है बिटवीन द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी कि जैसे कि शेयर्स में होता है, शेयर्स में क्या होता है, शेयर्स में क्या होता है बेटे, शेयर में क्या होता है एक स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे क्या है सेलर डाल रहा है मैं इतने में बेचने तैयार हूं, बायर डाल रहा है मैं इतने में खरीदने तैयार हूं,
और इसी तरीके से प्राइस रेगुलेट हो रहा है. लाइक होता क्या है, अगर मैं आज शेयर मार्केट में मेरे को शेयर खरीदना है, कोई शेयर 2000 का चल रहा है, मैंने ऑर्डर डाल दिया उसमें कि मैं खरीदूंगा उसको 1990 में, तो अगर कोई सेलर 1990 में खरीदने तैयार होगा मेरा शेयर बिक जाएगा. समझ रहे हो, अगर कोई शेयर 2000 का चल रहा है, अगर कोई शेयर कितना चल रहा है 2000 का, मैंने डाला मैं उसको बेचूंगा 2500 रुपए में, कोई बायर खरीदने तैयार होगा 2500 में, तो 2500 में भी बिक जाएगा. यस और नो? तो कोर्स ऑफ डीलिंग कई बार कैसे डिसाइड होता है, डिमांड सप्लाई यानी कि कोर्स ऑफ डीलिंग. प्राइस जो है चार तरीकों से डिसाइड होता है. बोलो कौन से चार तरीके प्राइस डिसाइड होने के? कॉन्ट्रैक्ट से होता है, फिर एक हो सकता है फिक्स मैनर है, अग्रीड मैनर है कि उसने जितना बोला उतने में मैं बेच दूंगा, एक थर्ड पार्टी हो सकता है डिसाइड करे, या तो फिर हो सकता है कोर्स ऑफ डीलिंग से डिसाइड हो. तो प्राइस कैसे डिसाइड होता है जल्दी बताओ? फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, हाँ, अग्रीड मैनर, थर्ड पार्टी, कोर्स ऑफ डीलिंग. फिर से बोलो, फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीड मैनर, थर्ड पार्टी, कोर्स ऑफ डीलिंग. अरे यस और नो? फिर चलो, प्राइस कैसे डिसाइड होता है? फिक्स कॉन्ट्रैक्ट, अग्रीड मैनर, थर्ड पार्टी, कोर्स ऑफ डीलिंग. एक बार लास्ट बार बोलो, फिक्स बाय कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी फिक्स इन अग्रीड मैनर, थर्ड पार्टी एंड अ कोर्स ऑफ डीलिंग. बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, लवली, सेक्सी, ऑसम, एक नंबर. चलिए नेक्स्ट है, बाबू ध्यान देंगे. अगर से प्राइस ही फिक्स हुआ ही नहीं, भैन दीजिए, प्राइस ही फिक्स नहीं हुआ, सर जी लेट क्यों है? फर्स्ट डे है तो लेट आता थोड़ी है, ट्रैफिक हो गया था. कहां से? पुणे से हो? स्वारगेट में ही रहते हो? स्वारगेट तो ये पास रहा यार, रूम का अतरज में. ठीक है, कल से जल्दी आई हो भाई. वैसे कल से मेरा लेक्चर लेट है. मेरी जिंदगी में आशीष सर ने सुख दे दिया सोने का. आशीष सर, पहला लेक्चर तुम्हारा कॉरपोरेट अकाउंटिंग होगा, दूसरा लेक्चर तुम्हारा एफएम होगा, मेरे को दे दिया तीसरा लेक्चर. मेरी जिंदगी में नींद दे दी है मेरे को भाई तुम्हारे लेक्चर के लिए. पहला लेक्चर मेरा तुम्हारा होता था, अब तुम्हारा ही लेक्चर होगा पहला, लेकिन वो होगा 11:15-11:30 कल से. तो मेरी जिंदगी में सुख आ गया बेटा. आशीष सर ने बोला आप जिंदगी जियो, रात को लेट तक जगो, सुबह देर तक सो, जिंदगी जियो आप. आशीष सर ने कह दिया मेरे को, अब तुम्हारे को मेरे से बिल्कुल शिकायत नहीं होगी. मोदी सर लेट आते हो क्लास में, अभी 10 का लेक्चर मेरा आज भी 10:15 हो गया. वो आते आते सुबह सुबह ना ब्रेकफास्ट में गड़बड़ हो ही जाती है, तो वो मम्मी कहती खा के जा, और मेरे को हो रहा होता है लेट, इसी चक्कर में रोज तकलीफ होती है. बट एनीवे, कल से नहीं होगा कुछ, कल से मेरा लेक्चर आशीष सर ने कह दिया जिंदगी जियो. सही बात है. चलो भाई, हाँ जी, अगर प्राइस ही डिसाइड नहीं हुआ तो क्या करें? प्राइस ही डिसाइड नहीं हुआ तो याद रखना मेरी जान, रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है. क्या देना पड़ता है बोलिए? रीजनेबल प्राइस. अगर प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो रीजनेबल प्राइस देना पड़ता है. व्हाट इज रीजनेबल प्राइस? व्हाट यू मीन बाय रीजनेबल प्राइस? मार्केट वैल्यू को जनरली हम रीजनेबल प्राइस बोलते हैं. किसको बेटा? मार्केट वैल्यू. जो मार्केट वैल्यू होती है उसको हम रीजनेबल प्राइस के नाम से डिनोट करते हैं. बहुत सारे कोर्ट्स की जजमेंट में आया है कि मार्केट वैल्यू इज अ रीजनेबल प्राइस. व्हाट बेटा? मार्केट वैल्यू इज अ रीजनेबल प्राइस. अगर प्राइस डिसाइड ही नहीं हुआ तो मार्केट वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं? रीजनेबल. कोर्स ऑफ डीलिंग का मतलब क्या? मैंने बताया ना कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब. देखो मैं सारे एक बार फिर रिपीट करता हूं. प्राइस क्या डिसाइड होता है? तो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से डिसाइड कर सकती है. दूसरा हो सकता है अग्रीड मैनर. अग्रीड मैनर कुछ भी हो सकता है. अग्रीड मैनर मतलब हम डिसाइड कर सकते हैं कि देखो यार, मैंने बोला कि देखो यार, जितने रुपए में मेरा कॉम्पिटिटर बेचेगा उतने में ही मैं बेचूंगा. इट कैन बी अग्रीड मैनर. अरे हाँ या ना? ठीक है, अग्रीड मैनर कुछ भी हो सकता है. मैंने कहा कि डॉलर का जितना रेट होगा उतने में बेचूंगा. इट कैन ऑल्सो बी अग्रीड मैनर. अरे यस और नो? थर्ड पार्टी डिसाइड करेगी मतलब कोई और डिसाइड करेगा. कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब क्या? डिमांड सप्लाई. कोर्स ऑफ डीलिंग मतलब क्या होता है? डिमांड सप्लाई से चेक करेंगे, है ना, कोई इस तरीके से डिसाइड करेंगे. तो चार तरीके से प्राइस डिसाइड हो सकता है, ये हमने देखा. अच्छा, प्राइस डिसाइड नहीं हुआ तो कौन सा प्राइस देना पड़ेगा? रीजनेबल प्राइस. रीजनेबल प्राइस हर केस में अलग होगा. अच्छा, थर्ड पार्टी ने प्राइस डिसाइड करना था, थर्ड पार्टी मर गई. मर गया ना 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 ला 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 ला. थर्ड पार्टी को प्राइस डिसाइड करना था, थर्ड पार्टी मर गई, क्या करें? ये फोन कितने में बिका ये डिसाइड करने वाले थे आशीष सर. ये फोन कितने में बिकेगा कौन डिसाइड करने वाले थे? आशीष सर डिसाइड करने ही वाले थे. उसके पहले क्या? क्या उसके पहले क्या? आशीष सर फोन डिसाइड करने ही वाले थे, बट उसके पहले सर ने पेट्रोल पी के जान दे दी. क्या पी के? पेट्रोल पी के क्या दे दी? जान दे दी. सुगंध अच्छी लगती थी,
टेस्ट करके देखता हूं, बोले पी गए सर हमारे तेल, गलत हो गया, किसी ने बोल दिया था पेट्रोल पीने से सर के बाल आते हैं, तो सर ने पी गए हमारे। अभी मेरे को एक बात बताओ, अभी प्राइस डिसाइड करने वाली थर्ड पार्टी थी, थर्ड पार्टी चल बसी तो क्या करें ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो जाता है। ऐसे केस में क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड, जो अग्रीमेंट टू सेल है जो भी है वो वॉइड हो जाता है। अगर पार्टी थर्ड पार्टी डिसाइड करने वाली थी बट थर्ड पार्टी अब नहीं कर पा रही, मना कर रही है, तो ऐसे केस में वो अग्रीमेंट ही क्या हो जाएगा, वॉइड। क्या हो जाएगा, वो वॉइड, ठीक है, वो वॉइड हो जाएगा, याद रखना। बोलो यस और नो। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट और कोर्स ऑफ डीलिंग में क्या फर्क है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट मतलब कुछ नहीं है, बायर और सेलर मिलकर डिसाइड करें, दैट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। लाइक बायर ने बोला मैं 150 दूंगा, सेलर ने बोला ठीक दे, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीड मैनर कुछ भी हो सकता है, अग्रीड मैनर मतलब कुछ भी हो सकता है, जो हमने बोला कि इस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, उस बेसिस पे डिसाइड करेंगे, दैट्स अग्रीड मैनर, है ना। आपको सिर्फ पॉइंट याद रख लो, बाकी कुछ नहीं, ठीक है बेटा। चलिए जी, मूविंग ऑन गाइस, ध्यान देंगे सारे बच्चे, आ जाओ, है ना, समझ में आया, बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, प्राइस की बातें खत्म करो, चलो जल्दी, कम ऑन पीपल, टेल मी, प्राइस कैसे डिसाइड होगा? पहला कॉन्ट्रैक्ट से, दूसरा अग्रीड मैनर, तीसरा थर्ड पार्टी, चौथा कोर्स ऑफ डीलिंग। फिर से बोलो, पहला कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा अग्रीड मैनर, तीसरा थर्ड पार्टी, चौथा कोर्स ऑफ डीलिंग। सेक्सी। अच्छा, उसके बाद में अगर प्राइस डिसाइड नहीं हो पाया तो कौन सा प्राइस होगा? रीजनेबल प्राइस। अगर प्राइस नहीं हो पा रहा डिसाइड तो कौन सा प्राइस होगा जानू? रीजनेबल प्राइस। थर्ड पार्टी प्राइस डिसाइड करने वाली थी, लग गए थर्ड पार्टी के, मर गई वो, या नहीं मना कर दी, तो फिर वो अग्रीमेंट हो जाएगा वर्ल्ड। लवली, सेक्सी, ऑसम, बढ़िया, एक नंबर, स्वीट आर्ट्स। अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, वो है कंडीशन और वारंटी। बोली क्या है बेटा? कंडीशन और वारंटी। अच्छा, आज आपका SBLL जो होगा वो होगा, क्या होगा बेटा? SBLL, कौन सा लेक्चर होगा आपका? SBLL, SBILL आज से हम शुरू कर रहे हैं, राइट, ठीक है। कल का जो टाइम टेबल है, कल का टाइम टेबल लिखा है आपके पास? अरे आज मेरा SBLL लेना है मेरे को, बच्चों का, नए बच्चों का भी। हाँ, आप कंपनी लो सबका लोगे ना, नए बच्चों का भी लोगे ना? नए बच्चों का नहीं लोगे तो फिर आप, मैं उनको, नए बच्चे और फेस टू फेस वालों को गैप हो जाएगा ना। हाँ, अच्छा, लेकिन मेरा तो SBLL लेना है ना मेरे को तो। हाँ नहीं, मेरा तो, हाँ चलो मैं आपका लेक्चर ले लूंगा ना, ठीक। आशीष सर को बोलो ना चालू कर दे, बात करो एक बार। हाँ बात करो ना एक बार, सारे बच्चे तो आए ना फेस टू फेस में। हाँ ऑनलाइन भी है सब। हाँ बात कर लो एक बार, चलेगा। चलो, हाँ नए बच्चों का बता रहे हैं, ओल्ड वालों का तो पूरा है। कर सकते हो लेकिन वो वाला कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड हो गया ना, नया कॉन्ट्रैक्ट जो बनाना है बनाओ। चलिए ध्यान देना भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, आ जाओ, ठीक है, अभी ध्यान देंगे, प्लीज सारे बच्चे ध्यान दो, पीपल एवरीवन। गाइस देखो यार, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ रहे हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के, वो है कंडीशन और वारंटी। कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जो सबसे, मतलब सेल करने के लिए जो चीज सबसे असेंशियल है उसे कहते हैं कंडीशन, उसके बिना सेल हो नहीं सकती, उसे कहते हैं कंडीशन। सेल करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बोलिए एक बार, विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा गुटका थोक के एक बार सारे बोलो, क्या है बेटा? विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोल दो, क्या बेटा? विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसे कहते हैं कंडीशन। एक बार फिर से बोल दो, विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। एक बार फिर से बोलो, विच इज असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस, बोलो पर्पस बोलो, डिनोट एक ही चीज करता है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सबसे ज्यादा असेंशियल है वो कंडीशन, ठीक है। सो विच इज व्हाट बेटा? असेंशियल फॉर द मेन परफॉर्मेंस, ऑल्सो यू कैन यूज पर्पस, यू कैन ऑल्सो यूज, यहां यूज किया, ठीक है। विच इज वॉट? असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या है? कंडीशन। एक बार फिर से बोल दो, विच इज
essential for the main purpose of the contract, वो क्या है? Condition. एक बार फिर से, which is essential for the main purpose of the contract, वो क्या है? Condition. समझ आता हूं एकदम आराम से, हौले हौले. Condition क्या चीज है ना राजा? Condition मतलब जिसके बिना सेल अधूरी है, जिसके बिना सेल हो ही नहीं सकती, वो कंडीशन है. वो पूरी करना ही पड़ता है सेलर को. दो प्रकार की कंडीशन होती है, एक जो लॉ ने बता दिया, एक जो पार्टीज डिसाइड करती है. पहले हम ये देखते हैं कि लॉ ने जो बताया वो क्या है. वारंटी वारंटी सब पढ़ते बैठेंगे, पहले तो देखो कंडीशन होती कौन कौन सी है. पहले हम ये समझते हैं कंडीशन है क्या. ठीक है, ध्यान देना सभी लोग. सबसे पहले होती है कंडीशन एज टू टाइटल. ये कंडीशन क्या समझ जाओगे, टेंशन मत लेना. मेरे को एक बात बताओ, मैं ताजमहल बेच सकता हूं क्या? अरे बेच सकता हूं क्या? ताजमहल बेच सकता हूं क्या? अरे बोलो, ताजमहल नहीं बेच सकता. पक्का क्या? आर यू श्योर? इधर आओ मैडम, आओ इधर आओ. हाँ इधर आओ, टेंशन मत लो. आओ आओ, फोन लेके आओ आपका. आओ फोन लेके आओ, आओ आओ, टेंशन नहीं लेने का यार. ऐसे तो अभी पहला एग्जांपल है, हजारों एग्जांपल आएंगे. क्या नाम है आपका? आ जाओ आ जाओ आ जाओ. ये है दिव्या जी. ठीक है दिव्या जी, फोन दो आपका. आईफोन यूज कर रही है मैडम, क्या बात है. कौन सा है? 13 प्रो. ठीक है, ये बेच सकता हूं मैं? बताओ क्या ये बेच सकता हूं मैं? मेरे को बताओ क्या मैं ये बेच सकता हूं? अरे पक्का बताओ, क्यों नहीं बेच सकता? उसका है तो मैं नहीं बेच सकता, क्यों? अभी पजेशन तो मेरे पास है, पजेशन तो मेरे पास है ना. ओनरशिप किसके पास है? दिव्या के पास है ना, दिव्या ना. दिव्या के पास क्या है? ओनरशिप. तो मेरे पास क्या है? पजेशन. तो मतलब मेरे पास पजेशन है, मैं बेच नहीं सकता. अरे सच्ची बताओ, बताओ बेच सकता हूं कि नहीं? आर यू श्योर? इसे ही कहते हैं कंडीशन एज टू टाइटल. कंडीशन एज टू टाइटल मतलब आप वही चीज बेच सकते हो जो आपकी है. अब मान लो दिव्या एक दिन यहां बैठी थी, मैंने धीरे से इसका फोन चुरा लिया. कैसे चुरा लिया? धीरे से. क्या चुरा लिया? इसका फोन. ये बेचारी हैरान परेशान कंप्लेन अम्प्लेन कर रही है, सब 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 कंप्लेन कर दी, सब कर दी इसने बेचारी ने, लेकिन कुछ हुआ नहीं. मैंने तो चुरा लिया फोन, और मैंने वो फोन बेच दिया हमारे ऑनलाइन. मान लो से फॉर एग्जाम्पल इसको बेच दिया, क्या नाम है आपका? शालिनी को बेच दिया. शालिनी को ये मैंने फोन बेच दिया. ठीक है, तूने आई सुबह सुबह दूसरे दिन और देखी तेरा फोन शालिनी के पास कवर वही है. सो भैण दी जयो, सब वही है. क्या तू शालिनी से फोन ले सकती है? बता, तेरा फोन मैंने चोरी किया, शालिनी को मैंने बेच दिया, बहुत रोई बहुत रोई, सुबह सुबह आई शालिनी के पास सेम फोन देखी, क्या तू शालिनी से फोन रिकवर कर सकती है? बता, नहीं. हाँ कि नहीं? अबे तेरा फोन है क्या? नहीं बोल रही है. हाँ या नहीं? कर सकती है नहीं कर सकती रिकवर? हाँ कर सकती है रिकवर. क्यों? क्योंकि ये सेली वॉइड है हमारी. क्यों वॉइड है? अरे मेरे पास ओनरशिप ही नहीं है, मैं क्या घंटा फोन बेचूंगा? भाई फोन चीज कौन बेच सकता है? जिसके पास ओनरशिप है. अरे यार मैं मेरा फोन बेचना चाहूं बेच सकता हूं क्या? जरूर. लेकिन मैडम का फोन बेच सकता हूं क्या? नहीं. अरे यस और नो? क्यों नहीं बेच सकता भाई? क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? ओनरशिप. जिसके पास है वही दे सकता है. अंकित के पास नहीं है तो वो दे पाएगा? नहीं दे पाएगा. अंकित के पास जब है ही नहीं तो दे पाएगा क्या? नहीं दे पाएगा. जिसके पास होगा वही दे पाएगा क्या? ओनरशिप. बोलो यस और नो? अरे बोलो हाँ या ना. इसे कहते हैं कंडीशन एज टू टाइटल. आवाज नहीं, क्या कहते हैं इसको? कंडीशन एज टू. जोर से बोलो, क्या कहते हैं इसको? कंडीशन एज टू. कंडीशन एज टू टाइटल कहते हैं. समझ आया आपको मैडम? कंडीशन एज टू टाइटल क्या है? कि ओनली सच पर्सन कैन सेल अ गुड हु हैव अ ओनरशिप. है ना, जिसके पास ओनरशिप है वही बेच सकता है, जिसके पास ओनरशिप है वो गुड्स को नहीं बेच सकता. बैठो. ठीक है, ये पहली कंडीशन है. क्या है बेटा ये? पहली कंडीशन है ना. याद रखना, आप तभी बेच सकते हो कोई चीज जब आपके पास क्या है? ओनरशिप. ये पहली इंप्लाइड कंडीशन है. लॉ कहता है ये तो होना ही चाहिए. एक बात समझो, ओए ओए ओए, एक बात समझो. अगर मैंने, मान लो ये माउस आशीष सर का है, मैंने ये माउस शालिनी को बेच दिया, आशीष सर ने देखा मेरा माउस शालिनी के पास, वापिस ले लिया. शालिनी को जो मैंने बेचा हूं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हुआ? क्योंकि इसकी ओनरशिप मेरे पास थी नहीं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही क्या होगा? वॉइड. अरे बोलो हाँ या ना. एक बात समझना जाना, शालिनी के पास क्या राइट है? शालिनी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती है? हाँ. और शालिनी मेरे से क्या लेगी? डैमेजेस. क्या लेगी वो? डैमेजेस. भरी सभा में शालिनी की बेइज्जती करते हुए आशीष सर ने जो माउस लिया, उसके डैमेजेस नहीं लेगी मेरे से?
इसका जो नुकसान हुआ, डैमेजेस नहीं लगे मेरे से, जरूर लगी। किसे कहते हैं कंडीशन एज टू टाइटल, बोलो क्या कहते हैं राजा, कंडीशन एज टू टाइटल, आवाज नहीं, क्या कहते हैं बोलो, फिर से बोलो क्या कहते हैं, एक बार फिर से बोलो क्या कहते हैं, कंडीशन एज टू टाइटल, ये इंप्लाइड कंडीशन है। अगर ये ब्रीच हुई, पार्टी के पास दो राइट है, कौन से दो राइट है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। याद रखना कोई भी कंडीशन टूटे, बायर के पास दो राइट है, बोलो कौन से दो राइट है बायर के पास, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। आवाज ही नहीं आई, फिर से बोलो, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, जोर से बोलो क्या बेटा, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, एक बार फिर से क्या, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, वंस मोर व्हाट, एक बार फिर से बोलो क्या, लास्ट बार बोल दो क्या बेटा, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। समझ में आया क्या, अरे बोलो हाँ या ना। यहां पे देखो एक केस दिया है, इन्हें सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा बी से, पैसे दे दिया, इन्हें सेकेंड हैंड मोटर कार खरीदा बी से, पैसे दे दिया, छह महीने बाद उससे ले लिया गई वो चीज और पता चला कि बी के पास टाइटल नहीं था, ओनरशिप नहीं थी, टाइटल मतलब ओनरशिप, तो ए के पास कोई व्यक्ति आया लेके चला गया, तो ये डिसाइड हुआ कि बी ने कंडीशन तोड़ी है और ए क्या डैमेजेस लेगा बी से, ऑब्वियसली, अरे ऑब्वियसली हाँ या ना, अरे लेगी ना, शालिनी मेरे से डैमेजेस लेगी कि नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी यार, कि सर आपने जो मेरे को चीज दी थी उसकी तो आपके पास ओनरशिप ही नहीं थी, जिसकी ओनरशिप थी वो मेरे से ले गया, माउस ले गया, वो फोन ले गई, आप मेरे को क्या दो, डैमेजेस दो। तो याद रखना ये पहली कंडीशन है, कंडीशन एज टू टाइटल, बोलो हाँ या ना भाई, अरे बोलो यस और नो, हाँ हाँ हाँ, तो वो केस करो पुलिस में, जब मिलेगा तब देगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, चलो बहुत बढ़िया, सेक्सी लवली ऑसम यार, एकदम सही जा रहे हो। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, दूसरी कंडीशन होती है कंडीशन एज टू, आवाज नहीं, दूसरी कौन सी होती है बोलो, कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन, आजा मेरी जान, आजा मेरे भाई, आजा यार, तो क्यूटी पाए अपना यार, तू एक भी बार नहीं आया अभी तक यार, क्या स्टेज तोड़ परफॉर्मेंस करेंगे तेरे साथ, क्यों डार्लिंग, क्या हाल चाल, कितने आईटी में, 141 बहुत आगे में, चिटिंग किया था कि नहीं, सच बोल, कैसे करेंगे मतलब, मोबाइल से, सच में नहीं किया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू। चल एक बात बता, बात बताएगा क्या मेरे को, एक बात बता डार्लिंग, क्या कह रहा था, हाँ क्या पसंद है सबसे ज्यादा, इधर उधर देख के क्या बोल रहा है, हाँ ऐसा मेरे को लगा भी बोलेगा, ये पसंद है, हाँ सबसे ज्यादा क्या पसंद है, पढ़ाई पसंद है सबसे ज्यादा, चल ठीक है भाई, गया चड्डी खरीदने, भाई क्या खरीदने गया, चड्डी खरीदने, दुकानदार को कहता है यार गर्मी का मौसम है, अनकंफर्टेबल लगता है, कोई ऐसी चड्डी दे हो जिसमें हवा अच्छी आए, तो अंदर मोटर वोटर हो, बटन हो साइड में, बटन चालू करूं और एकदम तो ठंडक महसूस हो, क्या महसूस हो, तो ठंडक महसूस हो, मजा नहीं आ रहा है यार, क्या नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा है, अनकंफर्टेबल लगता है। दुकानदार ने एक चड्डी दिया शानदार, ठीक है भाई को, और कहता है ये चड्डी है, इसके अंदर एक मोटर है, बढ़िया शानदार, बटन शुरू करना है, एक नंबर हवा आएगी, आपको मजा आ जाएगा। कहता है दे दो भैया, कहता है ट्रायल अलाउड नहीं है, दुकानदार कहता है चड्डी का, ठीक है सामान, चड्डी का ट्रायल हम नहीं देते, कहता है ट्राई करने दो, लेकिन दुकानदार ने मना कर दिया, चड्डी का ट्रायल अलाउड नहीं, कपड़ों का एक बार का ठीक है, चड्डी का नहीं। तो ये चड्डी लेके गया, पहना, हुआ दुकानदार ने कहा था चड्डी ऐसी है वैसी है, बढ़िया है, एक नंबर है, जबरदस्त है, हवा आएगी, चड्डी पहना इसने, उल्टा गर्म हवा आ रही है बहुत, क्या आ रही है बहुत ज्यादा, गर्म हवा आ रही है, चड्डी से पानी निकल रहा है। अब दुकानदार ने जो बोला, दुकानदार ने क्या किया, जो बोला इसका सब विपरीत हो रहा है भाई के साथ में, और गर्मी लग रही है और अनकंफर्टेबल लग रहा है, लड़की के साथ डेट पे गया हुआ था, कभी ऐसे हो रहा है कभी वैसे हो रहा है भाई हमारा, तो बहुत ही क्या हो गया इसके साथ में, गलत हो गया। तो दुकानदार ने बोला था वैसा हुआ कि नहीं हुआ, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन ब्रीच हुआ है। डिस्क्रिप्शन मतलब समझते हैं, जो दुकानदार ने बोला वो गुड्स में होना चाहिए, जो दुकानदार ने बोला वो गुड्स में होना
चाहिए. अगर वो चीज गुड्स में नहीं है तो इट्स अ ब्रीच ऑफ डिस्क्रिप्शन. कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन ब्रीच हुई. अपने आशीष सर बताया ना, रस्ते से जा रहे थे हम एक दिन, रस्ते में वहां पे जा ही रहे थे, बाबा दिखे रस्ते में, और बाबा दिखे और बाबा ने बोला, बाबा ने आशीष सर को बुलाया ऐसे. आशीष सर बोले, बाबा सब कुछ है जिंदगी में, बस एक चीज की कमी है, क्या? बाल नहीं है. बाबा ने बोले, बेटा ये तुबड़ुक तेल है. कौन सा तेल है? तुबड़ुक तेल. ये तुबड़ुक तेल बाल में लगा, 7 दिन में पूरे बाल आ जाएंगे. आशीष सर ने लगाना शुरू किया, 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 लगाना शुरू किया. 7 दिन बाद आंख बंद करके कहां गए? मिरर के सामने. जैसे ही देखा, आधा चमन से पूरा चमन. आधा चमन से क्या हो गया बेटा? पूरा चमन हो गया. तो दुकानदार ने क्या किया है? डिस्क्रिप्शन ब्रीच किया है. बोलो क्या किया बेटे? डिस्क्रिप्शन ब्रीच किया है. अरे यस और नो? अरे हाँ या ना? भाई गुब्बारा खरीदने गया, बर्थडे था भाई का. भाई क्या खरीदने गया? गुब्बारा. बर्थडे के दिन बोले गुब्बारे खरीदूंगा. दुकानदार ने कहा सारे गुब्बारे एकदम टाइट है. क्या है? सारे गुब्बारे एकदम टाइट है, किसी में छेद नहीं है, फटा हुआ नहीं है कोई भी. लेकिन जितने गुब्बारे भाई लेके आए सब फटे हुए निकले, सारे के सारे. किसी में पानी डाल रहा है तो पानी लीक हो रहा है, किसी में हवा डाल रहा है हवा लीक हो रही है, किसी में कुछ, मतलब जो भी डाल, समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या हुआ? ये क्या हुआ भाई के साथ? क्या हुआ है? क्या ब्रीच हुई है? डिस्क्रिप्शन. डिस्क्रिप्शन मतलब सेलर जो बोले. गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. बोले एक बार. गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. फिर से बोलो एक बार. गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. फिर से बोलो. गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. एक बार फिर से बोलो. क्या? गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. एक बार फिर से बोलो. क्या बेटे? गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. एक बार फिर से बोलो. क्या बेटे? गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. लास्ट बार बोलो एक बार. क्या? गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन. जो सेलर ने बोला गुड्स में वो चीज होनी चाहिए. अगर वो चीज नहीं है तो इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन. फिर से बोलो. इट्स अ ब्रीच ऑफ कंडीशन ऑफ डिस्क्रिप्शन. यस और नो? बायर के पास क्या राइट होगा? जो खरीद रहा है गुड्स उसके पास क्या राइट होगा? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. बोलो क्या राइट होगा? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. भाई को और गोरा होना था. क्यों? जितना गोरा है उससे क्यूट है भाई तू. बस थैंक यू. गर्लफ्रेंड है कि नहीं? पता नहीं. सीएस बनने के बाद सीधा शादी, सीधा शादी. घर वाले की खुद करेगा. लव मैरिज की अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज. और लड़की सही नहीं मिली तो ऐसा नहीं होगा. मम्मी अच्छी लाएगी. क्यूट है बंदा. ठीक है, ध्यान देना. असीफा ऐसे मत देगा इसको. ठीक है भैया, अभी ध्यान देंगे. आ जाइए. शर्मा गया अरे, क्या कर रही है तू? अभी ध्यान देंगे. आ जाइए, अभी ध्यान देना. कंडीशन एंड टू डिस्क्रिप्शन क्या कहता है? ध्यान देना भाई. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन? अभी ध्यान देना सभी बच्चे. देखो यार, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है. भाई गया, भाई को और गोरा होना था. क्या होना था? और गोरा. दुकानदार ने क्रीम दिया, कहता है क्रीम लगाओ चेहरे पे, सफेद से ज्यादा गोरे हो जाओगे. भाई ने लगाना शुरू किया, 7 दिन बाद काले से ज्यादा काला हो गया. तो ये क्या है? डिस्क्रिप्शन ब्रीच हुई है. तो क्या है ये? कितनी रेमेडी है भाई के पास? कितनी रेमेडी है भाई के पास? रेमेडी क्या है? दुकानदार के साथ क्या कर सकता है ये? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. फिर से बोलो एक बार. कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. अरे बोलो यस और नो? अरे हाँ या ना? अरे यस और नो? ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? एक दिन ये भाई है ना, क्या नाम है इसका, ये तन्वी वाला, हाँ यश. यश क्या, इसकी हाइट नहीं बढ़ रही थी. तो दुकानदार के पास गया, कहता है, डॉक्टर के पास गया, कहता है डॉक्टर हाइट बढ़ानी है, डॉक्टर हाइट बढ़ानी है. तो दुकानदार ने गोली दिया, बोला गोली 3 टाइम खाना है, हाइट बढ़ जाएगी. कितने टाइम खाना है? 3 टाइम. लेकिन हाइट तो बढ़ी, लेकिन बहुत कुछ सामान छोटे हो गए. ठीक है, बहुत कुछ सामान क्या हो गए? छोटे हो गए. बहुत चीज, कान छोटा हो गया, नाक छोटा हो गया, ठीक है, दांत छोटे हो गए, किडनी, लीवर, हार्ट छोटा हो गया, और क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या, हाँ ठीक है. तो ये इसके साथ क्या, डॉक्टर ने गलत किया क्या? यस. ये भाई क्या करेगा? डॉक्टर पे केस करेगा. क्या बोलेगा? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस. अरे बोलो यस और नो? जैसे कि यहाँ पे एक बंदा है, वो ऑर्डर प्लेस करता है रेड टी शर्ट स्मॉल साइज की ऑनलाइन वेबसाइट से, बट मीडियम आ जाती है, क्या वो वापस कर सकता है? यस. जब मैंने ऑर्डर क्या किया था? स्मॉल.
एक्सेल चड्डा ऑर्डर किए थे, डबल एक्सेल आ गया, क्या वापस कर सकते हैं क्या? यस। अरे यस और नो बेटे, समझ में आ रहा है क्या? देखो समझा क्या? पक्का बोल, 100%। चल बैठ, अभी ध्यान देना। तो दो चीज, दो कंडीशन आपने देखी, क्या देखी आपने? दो कंडीशन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आते हैं, आ जाइए, ध्यान देंगे एवरीवन। नेक्स्ट क्या है? ठीक है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, आइए मेरी जान। नेक्स्ट है कंडीशन एज टू सैंपल। बोलो क्या बेटा? नेक्स्ट कंडीशन एज टू सैंपल। सारे बच्चे ध्यान देना, व्हाट डू मीन बाय कंडीशन एज टू सैंपल, आइए समझते हैं। कंडीशन एज टू सैंपल क्या होता है? लेट्स अंडरस्टैंड पीपल, व्हाट डू मीन बाय कंडीशन एज टू सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है? कभी ऐसा हुआ है आपने सैंपल देख के बल्क ऑर्डर किया हो? क्या ऑर्डर किया है? राइस। सैंपल देख के बल्क ऑर्डर किया आपने, और हा? वीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसे खुलेआम क्यों एक्सेप्ट कर रहा है? पर तू, तूने बोला ना गेहूं, ऐसा खुलेआम मत एक्सेप्ट कर यार, गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा इतनी जोर जोर के चिल्ला के बोल रहा है वो भी यार, क्या है इसका इंटरेस्ट आ जाएगा किसी का तो। चलिए एनीवे, अभी ध्यान देना, कंडीशन एज टू सैंपल क्या होता है ध्यान देना, समझाता हूं आपको। कंडीशन एज टू सैंपल क्या है? जैसे कि अब राइस की बात की शालिनी ने, तो मान लो से फॉर एग्जाम्पल आपने राइस देखे, बहुत सारे राइस थे, ठीक है, आपको पसंद आ गए उसमें से एक पर्टिकुलर कैटेगरी के राइस, ठीक है, से कोकम राइस थे वो, आपको पसंद आ गए, आपने बल्क ऑर्डर कर दिया कि भैया 500 केजी भेज दो, लेकिन सैंपल जैसा था बल्क वैसा नहीं आया। सैंपल तो बड़ा अच्छा दिया था उन्होंने, बल्क साला कचरा क्वालिटी का दे दिया। ये सही है गलत है? सही है गलत है? अरे बोलो हाँ या ना। अरे सैंपल देख के बल्क ऑर्डर किया तुमने, लेकिन सैंपल तो अच्छा था, बल्क उन्होंने कचरा कैटेगरी का दे दिया, सही है क्या भाई? अरे सही है क्या भाई? अरे बताओ यार, हाँ तुमको रशियन पसंद आ गई, रशियन क्या, रशियन क्या चप्पल, रशियन चप्पल पसंद आ गई, तुमने सैंपल देखा रशियन चप्पल का, तुम्हें पसंद आ गया, तुमने 100 रशियन चप्पल मंगा ली भाई, कितनी 100। सैंपल तो बड़ा अच्छा था, बल्क बड़ा कट्टी कैटेगरी का है, एकदम कचरा। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास क्या राइट है? सेम, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। जब आप कोई चीज सैंपल से मंगाते हैं, देखो जब आप कोई चीज सैंपल से मंगाते हैं, पहला राइट आपके पास ये, आप कंपेयर कर सकते हो बल्क को सैंपल के साथ में, साथ में सैंपल में डिफेक्ट नहीं होना चाहिए वो, है ना, और अगर कोई डिफेक्ट है तो हम सेलर को बता सकते हैं। और तीसरा, सैंपल और बल्क, मतलब बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। बोलो बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। आवाज नहीं है, फिर से बोलो एक बार, बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। एक बार फिर से बोलो, क्या बेटा? बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। आवाज नहीं, फिर से बोलो एक बार, बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? पहले तीनों को लर्न कर लो एक बार। कंडीशन एज टू टाइटल में क्या याद रखना है? कंडीशन एज टू टाइटल में क्या याद रखना है? क्या याद रखना है कि सेलर मस्ट हैव द राइट ऑफ ओनरशिप, ओनली सच पर्सन कैन ट्रांसफर द ओनरशिप हु हैज अ वैलिड टाइटल। अगर आपके पास वैलिड टाइटल है, टाइटल मतलब ओनरशिप, तभी आप उसे पास कर सकते हो, हाँ या ना। क्या मैं चोरी का सामान लेके बेच सकता हूं? अगर बेचू तो वो सेल क्या होगी? वॉइड। बहुत बढ़िया, याद रखना। कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन में क्या याद रखना है? कि गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। बोलो, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। फिर से बोलो, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। फिर से बोलो, गुड्स मस्ट करस्पॉन्ड टू द डिस्क्रिप्शन। जैसा सेलर ने बोला गुड्स में वो होना चाहिए। अगर सेलर ने बोला ये गुड्स हवा में उड़ता है तो उड़ना चाहिए, उसने बोला जमीन में तैरता है तो तैरना चाहिए, उसने बोला वो पानी में भी चलता है तो चलना चाहिए, उसने जो बोला वो होना चाहिए, जो वो बोले होना चाहिए। अगर कुछ वैसा नहीं निकला तो हम सेलर पे केस कर सकते हैं क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। फिर से बोलो, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, है ना, इजी पीपल। अच्छा, सैंपल में क्या है? मैंने आपको बताया सैंपल अगर है तो गुड्स बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल, पहली चीज। बायर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर बल्क एंड सैंपल, वो दोनों को कंपेयर कर सकता है। एंड सैंपल मस्ट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, सैंपल बल्क मस्ट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। तीन चीजें होनी चाहिए, बल्क शेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल, सैंपल और बल्क एक जैसा होना चाहिए। बायर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी ऑफ कंपेयरिंग बल्क एंड सैंपल, बायर के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए दोनों को कंपेयर कर सके। एंड बल्क मस्ट बी ऑफ अ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है क्या जाने मान? पक्का कंडीशन तीनों समझ में आई क्या? इजी है क्या? ये हम क्या पढ़ रहे हैं? कंडीशन मतलब ये चीज तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होना ही चाहिए।
सेलर वही हो जिसके पास ओनरशिप हो, जो उसने बोला वो गुड्स में होना चाहिए। अगर सैंपल के थ्रू बेच रहा है तो जैसा सैंपल है वैसा बल्क होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरी जान। अंजलि लिखती है जय इजल किंग मोदी सर, आज गांजा नहीं फूकी है इसमें, वेरी गुड अंजलि। ऐसे ही जिंदगी में नशा, नशा क्या नशा है, एग्जीक्यूटिव का नशा करो अब, क्यों भाई? चलो आगे बढ़े। अच्छा नेक्स्ट है, एक सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन पे आते हैं वापस। दोनों का मिक्स कर लो, तो डिस्क्रिप्शन को भी मिक्स कर लो, सैंपल को भी मिक्स कर लो, तो वो बन जाता है सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या होगा, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन में जो सेलर ने बोला वो होना चाहिए यानी डिस्क्रिप्शन, और सैंपल से खरीदो तो सैंपल और बल्क एक जैसे होने चाहिए, बायर के पास राइट होना चाहिए दोनों को कंपेयर करने का, और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए बल्क। मतलब कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन और सैंपल को मिक्स कर लो तो क्या बन जाता है, कंडीशन एज टू सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन, दोनों को मिक्स कर दिया, कुछ नहीं बाकी। आते हैं उस पे वापस, इस पे आओ अभी। मर्केंटेबल क्वालिटी, बोलो क्या बेटा? अरे आवाज नहीं, बोलो क्या? मर्केंटेबल क्वालिटी, फिर से बोलो। मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब क्या, व्हाट डू मीन बाय मर्केंटेबल क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, बोलो कैसे होने चाहिए गुड्स? अच्छी क्वालिटी के, बोलो कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए। फिर से बोलो कैसे होने चाहिए राजा? गुड्स कैसे होने चाहिए फिर से बताओ? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। समझ में आ रहा है? कैसी क्वालिटी के होने चाहिए बोलो? सेक्सी क्वालिटी होनी चाहिए गुड्स की। चलो एग्जांपल लेते हैं, इधर आ बाबू, आजा आजा बाबू, आजा आजा राजा। भाई जो है इसको अपने होठ पतले करने दे। क्या पतले करने दे? होठ, होठ पतले करने दे। करना चाहता है? हाँ, अभी एग्जाम्पल, ये सब घटना काल्पनिक है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं, संबंध हुआ तो मात्र एक संयोग और संजोग मात्र होगा। होठ पतले करने भाई को, क्या नाम है भाई का? तनिष्क। तनिष्क को होठ पतले करने हैं, तो ये गया एक मेडिकल शॉप। कहां गया? मेडिकल शॉप। बोले भैया एक ऐसी दवाई दो इसको लगाने के बाद ये पतले हो जाए, दिक्कत आ रही है बड़े होठों में। तो अगर होठ बड़े हैं तो क्या आ रही है? दिक्कत आ रही है। सिगरेट पीता? ओके, पक्का? तो कहता है भैया होठ पतले करने एक दवाई दो, शानदार होठ पतले हो जाए। दुकानदार ने दवाई तो दिया, दुकानदार ने क्या किया? दवाई तो दिया, लेकिन भाई के होठ ऐसे हो गए। कैसे हो गए भाई के होठ? भाई के होठ जो है, दुकानदार ने दवाई तो दिया लेकिन होठ जो है ऐसे हो गए। भाई साहब कैसे हो गए भाई के होठ ऐसे? और समझ रहे हो ना, भाई के होठ जो है वो ऐसे हो गए। ठीक है, जहां और पतला करना चाहता था और बड़ा हो गया। तो ये क्या है भाई के साथ में? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया सेलर ने। सेलर ने क्या नहीं किया? अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं दिया। अच्छी क्वालिटी मतलब समझते हो ना, जो क्वालिटी दिया है वो खराब थी जिसके कारण ऐसा हुआ है, है ना? तो ऐसे केस में भी आपके पास दो राइट है, क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। मर्केंटेबल मतलब गुड, गुड क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए, अदरवाइज आपके पास दो राइट है। अगेन बोलो कौन से राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस, इसे कहते हैं मर्केंटेबल क्वालिटी। हाँ या ना? समझा? चीयर्स। ठीक है, जैसे हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट है, मान लेते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट है हमारे, कौन है? राहुल आनंद। राहुल आनंद जो है भाई साहब, राहुल आनंद जो है ये गया क्या खरीदने गया? कौन सा? ठीक है, ये भाई जो है चड्डी खरीदने गया, मान लो दुकानदार ने कहा अच्छी है लेकिन फटी हुई निकली, तो ये भी क्या है? मर्केंटेबल क्वालिटी नहीं है। बोलो क्या नहीं है दादा? मर्केंटेबल क्वालिटी। व्हाट डू मीन बाय मर्केंटेबल क्वालिटी? अच्छी क्वालिटी के गुड्स होने चाहिए। फिर चलो कैसे होने चाहिए? अच्छी क्वालिटी के। याद रखना गुड्स कैसे होने चाहिए राजा? अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। बोलो यस और नो। ठीक है, तो ये मर्केंटेबल क्वालिटी कहती है अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, है ना? है ना, तो याद रखना इस बात को। जैसे कि टी एक है, उसने ब्लैक यान कुछ तो खरीदा, लेकिन जब देखा तो उसको व्हाइट आंट्स ने
ठीक है, कीड़े मकोड़ों ने उसको क्या किया था, खराब कर दिया था, तो माना गया मर्केंटेबल क्वालिटी खराब है। क्या माना गया? मर्केंटेबल क्वालिटी खराब है। मर्केंटेबल क्वालिटी खराब है तो ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए ऐसा। बोलो यस और नो बेटे। इसमें भी आपके पास दो राइट है। बोलो आपके साथ गलत हुआ तो क्या राइट है? मर्केंटेबल क्वालिटी मतलब इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट, इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। आवाज नहीं, इट शुड बी वॉट? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फिर सो इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। डिफेक्ट्स नहीं होने चाहिए। अगर उसमें डिफेक्ट्स है तो आपके पास क्या राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। इजी है ना सर? सारे एक बार अभी तक जितने पढ़े हैं बताओ। कंडीशन एज टू सेल टाइटल मतलब क्या होता था? सेलर मस्ट हैव द ओनरशिप, है ना? ओनली सच पर्सन कैन ट्रांसफर ओनरशिप हु हैज अ गुड टाइटल। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। इफ नॉट बायर विल हैव टू राइट्स, व्हाट? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। व्हाट इज कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन? Goods must correspond to the description. Whatever seller describe about the product, the such quality must be present in such product. Yes or no? Seller जो भी describe करे qualities product में, वो सब product में होना चाहिए। नहीं है तो buyer के पास क्या right है? Cancel the contract, claim the damages. Next है condition as to sample. What do you mean by that? Bulk shall correspond to the sample. Bulk shall correspond to the sample. फिर से बोलो क्या? Bulk shall, bulk shall, bulk shall correspond to the sample. दूसरा, बल्क सेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। दूसरा, हाँ, बल्क सेल करस्पॉन्ड टू द सैंपल। दूसरा, बायर मस्ट हैव अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर बल्क एंड सैंपल एंड इट शुड बी ऑफ अ गुड क्वालिटी। यस और नो? अच्छा, सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन अगर दोनों की बात करें तो उसमें फिर दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन सी दोनों क्वालिटीज? बल्क एज वेल एज, सॉरी, सैंपल की तो जो फीचर्स है वो तो होने चाहिए, डिस्क्रिप्शन भी होना चाहिए। मतलब जो सेलर ने अगर डिस्क्राइब किया गुड्स को तो वो भी उसमें शामिल होना चाहिए। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय मर्केंटेबल क्वालिटी? इट शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। शुड बी व्हाट? फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फ्री फ्रॉम गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। फिर से बोलो व्हाट बेटा? गुड्स शुड बी फ्री फ्रॉम डिफेक्ट। बात समझ आ गया? बोलो हाँ या ना। अगर डिफेक्टिव गुड्स हैं तो फिर मैं सेलर पे केस कर सकता हूं, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। अगर डिफेक्टिव गुड्स हैं, क्या बेटा? डिफेक्टिव। मैंने पलंग खरीदा, पलंग, क्या खरीदा? पलंग, लेकिन उसके पहिए ऐसे हैं थोड़े, तो रात में टीनो नीनो, समझ रहे हो? बहुत हिलता है, बहुत आवाजें आती है रात को, तो वो क्या है? डिफेक्टिव है ना। मैं सेलर को बोल सकता हूँ कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। अगर कोई भी प्रोडक्ट में डिफेक्ट है, मैं बोल सकता हूँ कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। नेक्स्ट है होलसमनेस। क्या बेटा? नेक्स्ट, होलसमनेस। आइए, व्हाट डू यू मीन बाय होलसमनेस, आइए चेक करते हैं। होलसमनेस क्या होता है, आइए समझते बेटा, सारे बच्चे ध्यान देना। होलसमनेस क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय होलसमनेस? कोई बताएगा अपने से व्हाट डू मीन बाय होलसमनेस? शुद्धता। शुद्धता को बोलते हैं होलसम। होलसम मतलब क्या होता है? अबे थ्रीसम नहीं है वो। होलसम क्या होता है बताओ? शुद्धता। फिर से बोलो एक बार, फिर से बोलो क्या बेटा? कौन सी था, क्या बोले? शुद्धता। व्हाट डू मीन बाय शुद्धता? प्योरिटी। आओ मैडम इधर, मैडम गई एक दिन वड़ा पाव खाने, आओ। क्या नाम है आपका? श्रावणी। ये रत्नगिरी, रत्नगिरी से आम नहीं लाई पर तुम्हें, इधर आओ। आप आ नहीं रहे हो कैमरे में, आप कब लाओगे आम? नेक्स्ट साल, अगले सीजन में। शर्म नहीं आ रही बोलते हुए? क्या बात कर रही है। चलो ठीक है, मैडम गई वड़ा पाव खाने। क्या खाने गई? वड़ा पाव। भैया को बोली, भैया सेक्सी जाए का वड़ा पाव देना भैया, मजा आ जाए खा के। भैया ने बोले, ये लो वड़ा पाव, ताजा ताजा, गरम गरम, मस्त। जैसे इसने देखी अंदर वड़ा, तो देखूं खोल के पाव को, जैसे ही पाव खोली अंदर देखा, छोटे छोटे कीड़े चल रहे हैं, एक बड़ा सा क्रॉकरोच टॉप पे ऐसा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके बाद में आजू बाजू इल्लियां चल रही है, और ऐसा वड़ा पाव देखते ही क्या हुआ? मोमेंट हो गया मैडम को। अब सेलर ने क्या किया है? सेलर ने क्या किया है? होलसमनेस का कंडीशन ब्रीच किया है। खान पान की चीजें, कौन सी चीजें? खान पान की चीजें, खाने की, पीने की, ये सब शुद्ध होनी चाहिए। अगर इसमें गलत है तो आपके पास दो राइट है। बोलो क्या? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। मैडम खाने गई बिरयानी, बिरयानी से निकला एक भूतिया लंबा सा बाल। कौन सा बाल? लंबा सा बाल, वो उसके बालों से भी बड़ा, उसके पैरों तक आते हैं बाल, पता है? हाँ, पैर तक आते हैं। मैं तो बोल रहा हूं रात में एक बार ऐसा कर ही देना तू,
तकरीबन तकरीबन आधा दर्जन लोग तो कम से कम डर ही जाएंगे, छह सात तो डर ही जाएंगे मिनिमम। तो देखो अभी ना लंबा सा बाल मिला बिरयानी में, तो क्या वो होलसम है? तो इसके पास क्या राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। अरे हाँ या ना, राइट है? नहीं है बताओ। खाना खाने गए होटल में, होटल में क्या खाने गए? खाना खाने गए, मरा हुआ कॉकरोच मिला, क्या है ये? होलसम है कि नहीं है? हाँ है कि नहीं है? नहीं है। तो क्या राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। अरे यस और नो, हाँ या ना? तो दो राइट है, कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। समझ में आया? पक्का सुअर की श्योर? श्योर बैठो। जैसे एक एक हस्बैंड है, हस्बैंड कौन था? हस्बैंड, हस्बैंड जो है वो एक दूध लेने गया, उसकी बीवी को दूध पीना था। बीवी बोली पत्नी को, जानो दूध ला दो, मुझे दूध पीना है। तो हस्बैंड गया, रात के 3 बजे हुए थे, बीवी ने बोली दूध पीना है, हस्बैंड बोला बीवी को दूध तो पिला के रहूंगा चाहे कहीं से भी लाऊं। पति व्रता पति था वो, पत्नी व्रता पति था वो, कौन सा? पत्नी व्रता पति, आइडल हस्बैंड, जो लड़कियां चाहती है ना अपने अब्बड़ सर जैसा, बीवी के फोन पे हाजिर हो जाता है जो, ठीक है हाँ, अपने अब्बड़ सर एकदम पत्नी व्रता पति है वो। मैं नहीं हूं उतना, नहीं है तो नहीं है, अभी ध्यान दे रहा भाई, अभी ध्यान नहीं है। तो अब्बड़ सर जो है हमारे क्या पत्नी व्रता पति थे एकदम, अब्बड़ सर जैसा एक पति था। रात को 3 बजे बीवी बोली क्या, जानो दूध ला दो, दूध पीना है। वो गया दुकानदार के पास, कहता भैया दूध दो। दुकानदार ने क्या कहते हैं, क्या वो हंस क्यों रहे थे? दुकानदार ने दूध दिया, लेकिन दुकानदार को भी पता था ये दूध में टाइफाइड के जर्म्स हैं। क्या है इसमें? टाइफाइड के जर्म्स। दुकानदार को पता था इसकी पत्नी मेरी एक्स है, दुकानदार को क्या पता था इसकी पत्नी मेरी एक्स है। दुकानदार ने दूध दे दिया, दुकानदार ने दूध दे दिया, पत्नी ने दूध पी और पत्नी मर गई, पत्नी ने दूध पी और पत्नी मर गई। दुकानदार ने क्या तोड़ा है? कंडीशन एज टू होलसमनेस। पति के पास क्या राइट है? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। क्या करेगा पति डैमेजेस का? रशियन क्या बोलता है साले, कितना हरामी आदमी है तू। अभी ध्यान देना, होलसम बोले क्या बेटा? होलसम, होलसम मतलब ये ईटेबल्स के लिए लगता है, फूडस्टफ्स के लिए लगता है, विच इज फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो हम खाते हैं पीते हैं उसके लिए, जो भी चीज हम खाते पीते हैं वो होलसम यानी शुद्ध होनी चाहिए, है ना? तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट होनी चाहिए। जैसे एफ ने, एफ मिल्क लेने गया, मिल्क में टाइफाइड जर्म्स थे, एफ की बीवी ने पी और एफ की बीवी मर गई, तो बेचारे को डैमेजेस देंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिलेंगे, है ना? डैमेजेस देना होगा, बोलो यस और नो। डैमेजेस तो देना होगा, फिर से बोलो क्या बेटा? डैमेजेस तो देना होगा, बोलो यहां या ना? स्वीदाट्स, अरे बोलो स्वीदाट्स। समझ में आया क्या, हाँ या ना? कंडीशन पूरी समझ में आ रही है? हाँ पक्का समझ में आ रही है। चलो लास्ट कंडीशन है, कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, बोलो क्या बेटा? लास्ट कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। देखो तो क्या हर चीज में आपकी स्किल है, कि कई बार हम सेलर की स्किल पे रिलायबल होते हैं? एक मेरे को सिंपल सी बात बताओ, क्या हर चीज पे आपकी स्किल है कि हम कई बार सेलर की स्किल पे रिलायबल होते हैं? कई बार हम हर चीज में एक्सपर्ट नहीं है, किसकी स्किल पे रिलायबल होते हैं? सेलर की। मैं एक डेंटिस्ट के पास गया, डेंटिस्ट कहता है ये वाला दांत लेके आओ मेडिकल शॉप से। मैं ला लिया भाई, 1500 का दांत आया। अब सेलर कहता है फिट नहीं हो रहा, दूसरा लाओ। मैं कहा इसका क्या करूं? वो तुम देखो, जहां लगाना है लगा लो, कहता है। अरे मैंने कहा भाई क्या वैसी बात करते हो यार, तुमने कहा 1500 का दांत लाओ, मैंने ले आया, अब तुम कहते हो दूसरा लाओ। गलती मेरी है कि सेलर की है? सेलर, डेंटिस्ट की। अरे बोलो हाँ या ना? जैसे इसका एक उदाहरण देता हूं आपको, एक पति था। कौन था? पति। उसकी पत्नी बोली, जानू मेरे लिए एक बॉटल ले आओ, बॉटल। पति कहता है कौन सी वाली लाऊं बेबी? वो कहती है स्टूपिड पानी की बॉटल। तो पत्नी कहती है पानी की बॉटल ले आओ। कहती है ऐसी लाना जिसमें ठंडा डाले तो ठंडा रहे, गरम डाले तो गरम रहे पानी। ठीक है, जिसमें क्या डाले तो क्या रहे, ठंडा डाले तो ठंडा रहे, गरम डाले तो गरम रहे। पत्नी ने किसको बोली? पति को, कि ऐसी पानी बोतल ला दे मेरे भाई, भाई मतलब पति, कि जिसमें ठंडा पानी डालू तो ठंडा रहे, गरम डालू तो गरम रहे। अब पति तो अनपढ़ था, उसको ज्यादा समझता नहीं था बोतल वोटल के बारे में। दुकान वाले के पास गया, कहता भैया ऐसी बोतल दो जिसमें ठंडा डाले तो ठंडा रहे, गरम डाले गरम रहे। तो दुकानदार कहता है बोतल ले जाओ, इसमें
बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं, लेकिन डिसेंट आप गरम गरम पानी डालो, 18 घंटे तक तो गर्म रहेगा। कितने घंटे तक? 18। पति ले आया बीवी के लिए, बीवी जो थी वो गर्म पानी डाली उसमें, नहीं एकदम ज्यादा भी नहीं था, एकदम लिमिटेड जितना सेलर ने बोला था उतना डाली, पी रही थी, वॉटर ब्लास्ट हो गई। वॉटर क्या हो गई? ब्लास्ट, फट गई बॉटल और पत्नी जल गई, पत्नी जल गई, पानी से जल गई। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे क्या हुआ है? क्वालिटी और फिटनेस ब्रीच हुई है। बोलो क्या ब्रीच हुई है? क्वालिटी और फिटनेस। क्या ब्रीच हुई है? फिर से बोलो, क्वालिटी और फिटनेस। यहां पे आप किसकी स्किल पे रिलायबल थे? सेलर की स्किल पे रिलायबल थे। बोलो किसकी स्किल पे रिलायबल थे? सेलर की। आपने अपना पर्पस सेलर को बता दिया था कि भाई मेरा ये पर्पस है, मेरे भाई मेरा ये पर्पस है, भाई मेरे मेरे की है ना, आपने बता दिया था? नहीं बताया था? बोलो हाँ या ना। अरे बताया था नहीं बताया था? आपने सेलर को अपना स्किल बताया था, फिर भी गड़बड़ किसकी है यहां पे? सेलर की। अरे हाँ या ना, बोलो गड़बड़ किसकी है? सेलर की गड़बड़ है, क्योंकि उसने सही से काम नहीं किया। सही बात है गलत बात है? अब जैसे अभी हमारे साथ हुआ, अच्छा कई बार सेलर की भी गलती नहीं होती, गलती बाहर की होती तो सेलर पर नहीं हो सकता। जैसे अभी हमारा, मैंने आपको बताया ना 25 तारीख को अपने घर का इनॉग्रेशन है, तो मैंने घर पे स्मार्ट लॉक लगाया सामने, वो जो फिंगरप्रिंट से लॉक होता है खुल जाता है, तो वो लगा तो दिए। अब पापा गए, पापा को फिंगरप्रिंट तो लगा दिए थे, अब पापा ने हो सकता है लेफ्ट की लगाएंगे राइट की लगाएंगे, खुल ही नहीं रहे, खुल ही नहीं रहे। ट्राई कर लिए कम से कम 20 बार, मेरे को फोन करके चिल्लाने लगे, कैसा लॉक लगाया तूने, चाबी ताले वाला लगाना चाहिए तेरे को, समझ नहीं आता क्या उठपटांग चीजें करते हो, ये वो उंगली उंगली वाले लॉक लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो। अब पापा को समझ नहीं आया होगा, अब गलती एक्चुअली पापा की होगी, उन्होंने सही से लगाया नहीं होगा। जब मैं गया जैसे ही फटाक से हो गया, फटाक से, या तो पिन भी रहती है, पिन पता नहीं थी उसमें, वो कुछ होता है ना ज्यादा बार कर दो ट्राई तो वो थोड़ी देर के लिए अडॉप हो जाता है कुछ, तो वैसे हो गया। तो अब गलती वहां पे अपनी, तो वहां पे सेलर को नहीं चिल्ला सकते। लेकिन हाँ, जहां पे आप सेलर की स्किल पे रिलायबल हो, किसकी स्किल पे रिलायबल हो? सेलर की। जैसे मैंने कहा, मैं सेलर के पास गया, मैंने कहा देखो ये जगह है, यहां पे ऐसी विंडो लगानी है जिससे बाहर की आवाज बिल्कुल अंदर ना आए। सेलर कहता है 3 लाख लगेंगे, ऐसी विंडो आएगी भाई साहब, बाहर की आवाज बिल्कुल अंदर नहीं आएगी, एकदम साउंड प्रूफ ग्लास। मैंने कहा ठीक है, ले वो पैसे 3 लाख लगाओ। उसने लगाया, फिर भी आवाज अंदर तक आ रही है। तो यहां पे ब्रीच ऑफ कंडीशन है। क्यों ब्रीच ऑफ कंडीशन है या नहीं है? है। एज अ कंडीशन ये हमें बहुत सारी चीजें सिखा रहा है, एज अ बायर, है ना, एज अ कंडीशन। ये इतनी सारी कंडीशन है जिससे हम एज अ बायर बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं। पहला, सेलर ने अगर वो सामान बेचा जो उसका नहीं है, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। सेलर ने कोई गुड्स बेचा जिसमें जो उसने बोला है वो चीज नहीं है, कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट क्लेम द डैमेजेस। सेलर ने कोई चीज बेचा सैंपल और बल्क बता के, बल्क जैसा है सैंपल जैसा वैसा बल्क होना चाहिए, बायर के पास दोनों का कंपैरिजन करने का राइट होना चाहिए। और तीसरा, बायर जो है वो जब गुड्स खरीदे बल्क भी अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, दोनों अगर ये दोनों को मिक्स कर दे तो बन जाता है सैंपल डिस्क्रिप्शन। गुड्स अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, फिर उसके बाद खान पान की चीजें शुद्ध होनी चाहिए, और सबसे लास्ट अगर हम सेलर की स्किल पे रिलायबल है, अगर हम किसकी स्किल पे रिलायबल है? सेलर की स्किल पे रिलायबल है। तो ऐसे केस में सेलर ने अगर कोई ऐसा उटपटंग प्रोडक्ट दे दिया तो ऐसे केस में गलती किसकी भाई साहब? सेलर की। बोलो यस और नो। अरे बोलो हाँ या ना। ऐसे केस में गड़बड़ किसकी होगी? फिर से बताओ, सेलर की। हमारे आशीष सर आ गए हैं, आशीष सर की एक कहानी बताता हूं आपको दोस्तों, आपको जान के बड़ा मजा आएगा। अब आशीष सर जो है अपने द स्टड मैन, आशीष सर जो है अपने उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, उल्टा पुल्टा कुछ नहीं, सब सीधा सीधा एकदम जोरदार। अपने आशीष सर जो है बीच में थोड़े मोटे हो गए थे, आशीष सर जो है बीच में, अभी तो एकदम फिट एंड फाइन एकदम सर, हमारे अनिल कपूर पार्ट टू बनने वाले हैं ये, सबसे ज्यादा यंग मैं बता रहा हूँ, सारी यूनी की फैकल्टी बुड्ढी हो जाएगी आशीष सर को छोड़ के। हम हो जाएंगे, अब्बड़ सर हो जाएंगे, अब्बड़ सर तो क्या जिम वाले हैं उनका नहीं, बाकी सोमिल सर हो जाएंगे, पवन सर हो जाएंगे, पुष्करत सर हो जाएंगे, लेकिन एक ही व्यक्ति जो रहेगा सदा बाहर तंदुरुस्त फिट फाइन सेक्सी ऑसम बढ़िया पटोला, हमारे सर। अच्छा ठीक है, अभी ध्यान दो। आशीष सर बीच में थोड़े मोटे हो गए थे, सर ने वो वाली एड देख ली है, नापतोल पे चल रही थी, कौन सी? पहले मैं बहुत मोटा था, उसके बाद मैंने एक बेल्ट पहना, और उसके बाद अब मैं अगरबत्ती जैसा पतला हूं। सर ने वो एड देख लिया अपने, बराबर क्या? तो सर ने वो एड देख लिया, अब सर ने फोल किया नापतोल वालों को, कहते हैं भैया मेरे को वो बेल्ट दे दो, मेरे को भी वो वाली, मेरे को भी पतला होना है, ठीक है मेरे को भी पतला होना है, वाली बेल्ट दे दो। तो आशीष सर ने अपने वो बेल्ट लगाए पेट में पहने कि पतले हो जाएंगे अगरबत्ती जैसे। अब बेल्ट तो पहने 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 एक लंबी सांस जैसी लिए बेल्ट फट गई भाई साहब,
तो मेरे को एक बात बताओ यहां पे सर किसके स्किल पे रिलायबल थे? सेलर की। सर को थोड़ी पता था बेल्ट की क्वालिटी क्या है क्या नहीं है। अब सेलर की जब हम स्किल पे रिलायबल है तो मेरे को एक बात बताओ, अगर सेलर गलत कर दे तो हम किस पे केस करेंगे? सेलर पे। क्या लेंगे? डैमेजेस। कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल होगा? यस। तो कितनी रेमेडी है इन शॉर्ट बायर के पास? दो। बोलो कौन कौन सी? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेजेस। एक मेरे को एक बात बताओ, ये रेमेडी कब कब आती है बायर के पास? हर बार आती है जब जब कंडीशन ब्रीच हो। वेरी गुड। ये रेमेडी हर बार आती है, कब आती है? जब जब कंडीशन ब्रीच होती है ये रेमेडी आती है। बोलो हाँ या ना। तो कितनी कंडीशन आज हमने पढ़ी, जल्दी से एक बार मेरे को बताओ। पहली कौन सी पढ़ी? कंडीशन एस टू टाइटल। दूसरी कंडीशन एस टू डिस्क्रिप्शन। तीसरी कंडीशन एस टू सैंपल। चौथा सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। उसके बाद मर्केंटेबल क्वालिटी। देन उसके बाद में होलसमनेस। उसके बाद कंडीशन एस टू क्वालिटी और फिटनेस। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। तो जब भी कंडीशन ब्रीच होगी बायर के पास कितने राइट है? दो। बोलो कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम द डैमेज। और ये सब कंडीशन है क्या? दिस इज असेंशियल फॉर द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये सब ऐसी चीज है जो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए बहुत ज्यादा असेंशियल है। और अगर ये ब्रीच हो रही है ना तो बायर के पास दो राइट है। बोलो कौन से? कैंसल द कॉन्ट्रैक्ट, क्लेम। अच्छा ये सब पार्टीज ने डिसाइड किया कि ये सब लॉ ने बताया है? मैं कहता हूं ये सारी कंडीशन पार्टीज ने डिसाइड किया कि लॉ ने बताया है? लॉ ने बताया, इसलिए हम इसे कहते हैं इंप्लाइड कंडीशन। बोलो इसे हम क्या कहते हैं? इंप्लाइड कंडीशन। क्योंकि किसने बताया? लॉ ने। लॉ ने बताया इसलिए हम इसे कहते हैं इंप्लाइड कंडीशन। अगर इसके अलावा कोई कंडीशन पार्टीज डिसाइड करे तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कंडीशन। वेरी गुड। इसके अलावा अगर कोई कंडीशन पार्टीज डिसाइड करे तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कंडीशन। मतलब ये तो सब लॉ ने बताया तो इसे हम कहते हैं इंप्लाइड कंडीशन। लेकिन इसके अलावा अगर कोई कंडीशन पार्टीज डिसाइड करे तो उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? एक्सप्रेस कंडीशन। ठीक है बेबी। चलो आज के लिए डन करते हैं, 1 घंटा 20 मिनट हो गया है, आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, कल बाकी का शुरू करेंगे। दोस्तों SBLL का मेरा लेक्चर होने वाला है। आशीष सर आप न्यू वालों को लेने वाले हो? न्यू वाले बच्चे भी रहेंगे आपके लेक्चर में? अच्छा तो फिर मेरा SBLL लेना है मेरे को, मतलब न्यू के साथ। जितने भी न्यू वाले बच्चे हैं आशीष सर का लेक्चर कल से देखें, जो फेस टू फेस आए हैं वो बैठ जाओ, लेकिन आप लोग फोन पे भी टाइम पास कर सकते हो। ठीक है? नहीं कर सकते हो ठीक है। क्योंकि वो देखना नहीं है लेक्चर, मेरा लेक्चर है, पर आई विल बी टेकिंग लेक्चर ऑफ SBLL सर। तो फिर आशीष सर फिर आई शुड टेक इट टू 2 बजे ले लूं मैं? हाँ, तो आई विल स्टार्ट SBLL एट 2 o'clock, राइट पीपल? मैं SBLL शुरू करूंगा 2 बजे। डन। सी लॉ फिर उसके बाद होगा। ठीक है? सी लॉ में भी नए वाले बच्चों का कल से शुरू होगा, कल का टाइम टेबल आपको पूरा आ जाएगा। आज सिर्फ आपके न्यू सिलेबस, मतलब May 23 में जिन्होंने एडमिशन कराया उनके 2 ही लेक्चर है, एक मेरा JHL का और इसके बाद होगा आपका SBLL का, वो होगा 2 बजे। तो ऑनलाइन वाले बच्चों एंजॉय कीजिएगा, घर पर पढ़ाई कीजिएगा, जो फेस टू फेस बैठे हैं यू कैन डू वॉट एवर यू वॉन्ट एक्सेप्ट फ्यू थिंग्स। ठीक है? चलिए भाई। हाँ जी। सो थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर। जरूर लाइक कमेंट शेयर करो लेक्चर्स को एंड मिलते हैं फिर। बाय बाय। एप्लीकेशन पे बेटा शुरू होंगे, आपको पता चलेगा 3-4 दिन बाद शुरू होंगे, लेकिन हाँ यूट्यूब पे ये वाला टॉपिक एक में करवा दूंगा सेल्स ऑफ गुड्स, बाकी फिर हम पूरा एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगे। राइट। चलिए थैंक यू सो मच। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू पीपल, बाय, टेक केयर, मिलते हैं।